नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाटा लोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नारायण आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूं 50 का दम लेकर। और इस 50 के दम में आज हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट की। ज्योग्राफी पहले बात हो चुकी है, तो आज हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट की। और ये जो 50 का दम है, ये है जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा है, खंड शिक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा। इसमें हम आपको उन प्रश्नों को करा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चलिएगा तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। एनवायरमेंट से है और पहला प्रश्न है असत्य कथनों का चुनाव करें। पहला असत्य कथन, यहां पर कूट टाइप का एक प्रश्न है, कह रहे वन विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय ग्लांड में है। उसके बाद विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना IUCN के सहयोग से हुई। IPCC का मुख्यालय जेनेवा में है और IPCC की स्थापना WMD यानी वर्ल्ड मौसम डिपार्टमेंट, विश्व मौसम विभाग तथा UN यूनाइटेड नेशन के सहयोग से की गई। मुख्य रूप से अगर हम प्रश्न में देखें तो वन्य जीव कोष और IPCC की बात की गई है। आइएगा हम इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक ना, हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष। ए विश्व वन्य जीव कोष की अगर हम बात करते हैं तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में की गई थी। ग्लैंड, AIC को ग्लैंड भी कहते हैं। वास्तव में यह होता क्या है या फिर हम बात करें यह क्या है, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय NGO है। NGO का मतलब होता है, अगर फुल फॉर्म बताएं, नॉन गवर्नमेंट बॉडी या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। तो एक गैर सरकारी संगठन, और यह है गैर सरकारी संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, जिनको हम वन्य जीव कहते हैं, उनके संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। और दूसरे देशों को, किसी देश को यदि वन्य जीव संरक्षण करना हो, पैसे का अभाव हो, तो उसकी आर्थिक रूप से भी मदद करता है। मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। एक प्रकार का स्वतंत्र निकाय है, NGO है, गैर सरकारी संगठन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आईपीसीसी, तो इसका फुल फॉर्म है इंटर पैनल क्लाइमेट चेंज अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन संगठन, ठीक ना। तो ये आईपीसीसी है, और आईपीसीसी का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। कहां पर है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। और साथ ही साथ यह कर्तव्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को देखता है और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों की समीक्षा करता है कि किस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन होंगे। ये पूरी की पूरी निगरानी का कार्य IPCC करता है। और अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य करता है, और इसकी स्थापना WMD वर्ल्ड मौसम डिपार्टमेंट और UN के सहयोग से की गई, WMD और UN के सहयोग से की जाती है। अब आइएगा हम विकल्प पर अगर बात करें, तो यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, असत्य कथन पूछ रहा आपसे, ना कि सत्य। असत्य कथन कौन सा है, पहला है विश्व वन्य जीव का मुख्यालय ग्लांड में है, एक तो बात सही है इसमें। उसके बाद कह रहा है विश्व वन्य जीव की स्थापना IUCN के सहयोग से हुई। उसके बाद कह रहा है IPCC का मुख्यालय जेनेवा में, यह भी सही है। IPCC की स्थापना WMD तथा UN के सहयोग से की गई। तो अगर हम बात करें, तो हमने अभी आपको बताया है कि जो आपका WWF है, यह इसकी स्थापना किसी के सहयोग से नहीं की गई, बल्कि यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर।
तो पूछ रहा है असत्य कथन, तो सेकंड ऑप्शन इसमें गलत है। हम देखेंगे सेकंड किस में है मिला है, तो ये मिल गया ऑप्शन डी जिसमें लिखा केवल सेकंड, ये वाला इसका सही आंसर होगा। आइएगा बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर दो पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दो IUCN, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। IUCN के संबंध में असत कथनों का चुनाव करें, यहां पर भी असत कथन समझना है। और देखिएगा एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है, और ऐसे प्रश्न जब एग्जामिनर पूछता है तो आप इतनी बात याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले यह नोटिस करना होता है कि यह सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो IUCN को समझ लेते हैं पहले हम लोग, IUCN है क्या, उसके बाद चारों बिंदुओं को देख लेंगे, ठीक ना। तो अगर हम बात करते हैं IUCN, तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, फॉर नेचर, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक ना। इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो IUCN की जो स्थापना है इसकी स्थापना कहां की गई, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई। और साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड शहर में है। कहां पर है, ग्लैंड शहर में है। इसका कार्य क्या है, तो IUCN यहां देखिएगा एक शब्द लिखा है इसलिए मैंने लिखा है कंजर्वेशन फॉर नेचर, प्रकृति के संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। किसका कार्य करता है, प्रकृति के संरक्षण का कार्य करता है। साथ ही साथ IUCN के द्वारा एक पुस्तक जारी की जाती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, और ये जो रेड डाटा बुक है ये दो, इसमें दो पेज होते हैं, इमेजिन करिएगा। एक पेज जो होता है पूरा का पूरा ग्रीन कलर का होता है, एक पेज ग्रीन कलर का होता है और दूसरा पेज जो उसका है वो पिंक कलर का होता है। पिंक कलर में हम उस जीव जंतु या उस पेड़ पौधे की प्रजाति को लिखते हैं जिस पर किसी भी प्रकार का खतरा हो, और हम ग्रीन में उस प्रजाति को लिखते हैं जिस पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। कहने का मतलब यह है कि जो रेड डाटा बुक है इसमें प्रकृति में संकटग्रस्त जीव जंतु या वनस्पतियों को रखा जाता है, और इसके अंतर्गत रेड डाटा बुक के अंतर्गत कुल 9 सूचियां शामिल हैं। कितनी सूचियां शामिल हैं, 9 सूची शामिल हैं। किसी में लिखा होता है अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, वन विलुप्त, विलुप्त, ठीक ना। इस प्रकार से आंकड़े पर्याप्त नहीं है, अति संकटग्रस्त, इस प्रकार से इसमें 9 आंकड़े होते हैं। आइएगा अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है। IUCN इसकी स्थापना 1948 में फ्रांस में हुई, बिल्कुल सही बात है। पौधों की संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है, हमने अभी अभी आपको बताया है, पेड़ पौधे और साथ ही साथ जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कार्य करता है और इसमें यही प्रावधान किया गया। उसके बाद लिखा है रेड डाटा बुक के नाम से सूची जारी करता, बिल्कुल, और रेड डाटा बुक एक ऐसी सूची है या एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त जातियों को लिखा जाता है। और ऑप्शन डी कह रहा है संकट पन्ने जीव जंतुओं के खरीद परोस्त पर नियंत्रण रखता है, तो ए सही बात इसमें नहीं है, ए किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त से कार्य संबंध सदा का नहीं होता है। इसका संबंध किसी भी जीव जंतु के या पेड़ पौधों के खरीद और बिक्री से संबंधित नहीं है। तो दूसरे का असत्य कथन चुनना था, तो असत्य कथन इसमें ए हो गया, ठीक ना। चलिएगा इसके बाद बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है मृदा क्षरण का कारण क्या है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे मृदा क्षरण क्या है, तो चाहे तो हम मृदा क्षरण बोले, चाहे हम मृदा क्षरण बोलें या मृदा का अपरदन कहें या मृदा का कटाव कहें, एक ही बात है। और अपरदन को ही इंग्लिश में इरोजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इरोजन। तो मृदा क्षरण का कारण नहीं है, पूछ रहे कौन सा कारण मृदा क्षरण का नहीं। पहला कह रहा है स्थलाकृति की बनावट, हम यहां पर ऑप्शन समझेंगे। स्थलाकृति की बनावट, मान लीजिएगा मैंने तीन स्थलाकृति बना दी, एक पर्वत हो गया, एक पठार हो गया और ये मैदान हो गया। हमने तीन स्थलाकृति बना दी आपके सामने, जो सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है
ये पर्वत है, ऊबड़ खाबड़ संरचना पठार है, और सबसे जो समतल संरचना है इसका नाम है मैदान। अगर मैं आपसे पूछूं बताएं सबसे अधिक मृदा अपरदन कहां पर होगा, सबसे अधिक मृदा अपरदन कहां पर होगा, पर्वतों पर, क्योंकि जब यहां पर बादल के माध्यम से बारिश होगी तो यहां पर पर्वतों के पास ढलान होने के कारण पानी यहां से बहता हुआ नीचे जाएगा, और जब पानी बहता हुआ नीचे जाएगा, जब पानी बहता हुआ नीचे जाएगा तो अपने साथ मिट्टी का कटाव भी करेगा, अपने साथ मिट्टी का कटाव भी करेगा। तो मृदा स्थलाकृति की बनावट कहीं ना कहीं मृदा अपरदन पर प्रभाव डालती है। दूसरा, वृक्षों का कटाव। अब समझिएगा, अब हमारा एक संस्थान है जिसका नाम है, जिसका नाम है, जो प्रत्येक वर्ष, सॉरी प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है, है देहरादून में है, ठीक ना, भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र। और ये क्या करता है, प्रत्येक दो वर्ष पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है, और उसके माध्यम से कहा गया, एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। आखिर क्यों होने चाहिए? और मैदानी क्षेत्रों में 20% क्षेत्रफल पर होने चाहिए, जबकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों पर 60% होना चाहिए। क्योंकि जब यहां से तेज गति से पानी जा रहा होता है, तो यदि हमने यहां पर वृक्षों को लगा दिया या मैदानी क्षेत्रों में हमने वृक्षों को लगा दिया, तो वृक्ष की जड़ जो होती है दूर दूर तक फैली होती है, मिट्टी को अपने साथ जकड़े हुए होती है, मिट्टी पर अपने साथ पकड़ बनाए होती है, जिस कारण से मृदा का अपरदन नहीं हो पाता है, अर्थात मृदा का कटाव, मृदा का क्षरण नहीं हो पाता है। ये बात भी इसमें सही है, ये तो मृदा के भाई करती है। अगर वृक्षों को काट देंगे, वृक्ष का कटाव कर देंगे, तो जड़ें नहीं पाई जाएंगी, मिट्टी असंगठित हो जाएगी, और जब एकता में संगठन होता है, एकता में ताकत होती है, और जब मिट्टी में संगठन नहीं रह जाएगा, तो जैसी बारिश होगी वो मिट्टी बह के चली जाएगी। उसके बाद फसल चक्रण, उसके बाद पशु चराई। पशु चराई के माध्यम से भी होता है। मान लीजिएगा एक स्थान पर घास लगी हुई है, जब पशु खाता है, तो पशु को जब भोजन मिलता है तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि कल भी मुझे भोजन मिलेगा, तो भरपेट खाता है और जल्दी जल्दी खाता है। तो यदि पशु पौधे को उखाड़ के खाता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके खेत वगैरह में जब जानवर घुस जाते हैं तो आप उन्हें भगाते हैं, तो दौड़ता दौड़ता वो भागता है, और साथ ही साथ मुंह से अपने क्या करता है, घास या पौधे को उखाड़ता है, और जब उखाड़ता है तो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी उस पौधे के साथ खिंचकर चली आती है, तो वो मृदा का अपरदन हो जाता है। पूछ रहा है मृदा क्षरण का कारण क्या नहीं है इनमें से, तो इनमें से अगर हम बात करें, इनमें से मृदा क्षरण का कारण क्या नहीं है, फसल चक्रण। फसल चक्रण का अर्थ यहां पर क्या है, फसल चक्रण का अर्थ यहां पर है कि एक बार में हम एक फसल नहीं बोएंगे, कई प्रकार की फसलें बोएंगे। तो फसल हम अगर इस बार वर्ष 2019 हमने चना बोया था, वर्ष 2020 में मटर बोएंगे, उसके बाद हम गेहूं बोलेंगे, इस प्रकार से तो फसल चक्रण के माध्यम से मृदा क्षरण नहीं होता, ठीक ना। चलेगा, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। एक एक चीज आपको समझना है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, हरित क्रांति से, निम्न कार्बन उत्सर्जन क्षेत्र से, ई वाहन परियोजना से, और वृक्षों से। देखिएगा, ग्रीन मफलर जो है वो वृक्षों से संबंधित है, और ये दो प्रकार के कार्य करता है। एक तो वायुमंडल में नई ऑक्सीजन का निर्माण करता है, और साथ ही साथ ध्वनि को रोकने का कार्य करता है। किसको रोकने का, ध्वनि प्रदूषण को कम करने का कार्य करता है। और मफलर का कार्य क्या होता है, मफलर दो कार्य करता है, एक तो बाहर से आने वाली तेज हवाओं को रोकता है जब हम कान से बांधे रहते हैं, और साथ ही साथ ध्वनि को रोकता है। तो ध्वनि को और बाहर से आने वाली वायु को रोकने का जो कार्य करता है वो वृक्ष करते हैं, इसलिए ग्रीन मफलर का यहां पर जो संबंध है वो किससे है, ग्रीन मफलर का संबंध यहां पर किससे है, वृक्षों से, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। यहां पर ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई पूछा जा रहा है, तो ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। देखिएगा, दो प्रश्न बनते हैं, ध्वनि से संबंधित दो प्रश्न आते हैं। एक आता है ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई पूछा जाएगा, और एक पूछा जाता है ध्वनि की तीव्रता। तो आवृत्ति और तीव्रता में अंतर होता है। आवृत्ति मतलब कंपन करने की दर। मान लीजिएगा आपके पास चिमटा है, और आपने चिमटे के दोनों फलकों को ऐसे पकड़ा और ऐसे दबा के छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे होगा, झंझनाहट होगी उसमें, क्या होगी उसमें, झंझनाहट होगी। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दे दिया जाता है आवृत्ति। और ध्वनि की आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। जबकि तीव्रता मतलब
तेज बोलने को तीव्रता कहते हैं, यानी उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को हम शोर कहते हैं, और कोई कितने तेज गति से बोलता है इसी को हम तीव्रता बोलते हैं। और ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो डेसिबल होती है। क्या होती है, डेसिबल होती है, और डेसिबल को हम डीबी से मापते हैं, ठीक ना, डीबी इसका संकेतक होता है। कह रहा है ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि की आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है, ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। क्या होती है, तो ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। प्रश्न नंबर पांच के बाद प्रश्न नंबर छह, प्रश्न नंबर पांच के बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर छह। प्रश्न नंबर छह आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर छह, नंबर छह कह रहा है सुमेलित कीजिएगा, प्रश्न नंबर छह सुमेलित कीजिएगा। यहां पर एक साइड रोग लिखे हैं और एक साइड उनके रोग के बाहक लिखे हुए हैं, कौन सा रोग किसके माध्यम से होता है। तो हम अगर देखे पेचिस, तो पेचिस टाइफाइड पीलिया निमोनिया। देखिएगा जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, आपको जो विकल्प सबसे अच्छा हो, आपको जिस पर कॉन्फिडेंस हो, आप वहां से स्टार्ट कीजिएगा। हम पहले बात करते होता क्या, पेचिस, पेचिस एक पेट की बीमारी होती है, पेट जिसमें पेट खराब हो जाता है, बार बार क्या होती है, हम बार बार हमारा लूज मोशन हो रहा था, पेचिस बोलते हैं, पेचिस हो गया। टाइफाइड खराब पानी पीने से एक बीमारी होती है जिसको हम टाइफाइड कहते हैं। पीलिया, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, हमारा हृदय प्रभावित होता है और शरीर का जो रंग है वो कैसा होने लगता है, शरीर का रंग पीला होने लगता है। उसका निमोनिया, नमी अधिक होने कारण, आर्द्रता अधिक होने कारण, सर्दी होने कारण हमें निमोनिया हो जाता है, ठीक। तो अगर हम बात करें पेचिस, पेचिस जो होती है वो अमीबा के कारण होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइफाइड, तो टाइफाइड प्रदूषित पानी पीने से होता है और पानी में जीवाणु के माध्यम से फैलता है। उसके बाद पीलिया जो है, पीलिया विषाणु के माध्यम से फैलता है। और निमोनिया जो है, निमोनिया किसके माध्यम से फैलता है, कवक के माध्यम से फैलता है, यानी ए का चौथा ये मिल गया। उसके बाद बी का दूसरा, सी का पहला, यानी ए वाला ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर छह के बाद बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सात पर। प्रदूषित जल को पीने से कई सारी बीमारियां हो जाती है, एक साइड बीमारियों के नाम लिखे हैं और दूसरी साइड किस प्रदूषक के कारण बीमारी होती हुआ लिखा है, ठीक ना। आइएगा हम समझते हैं, ब्लैक फुट जो होता है आमतौर पर जानवरों में होने वाली एक बीमारी है, और इसमें जो पैर है, पैर का आकार बढ़ता जाता है। दूसरा रोग है एनीमिया आमतौर पर अविवाहित लड़कियों में होती है, और विवाह के बाद यह बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। आयरन, ब्लड में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है। इटाई हड्डियों में होने वाला एक रोग है, ठीक ना। उसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आमतौर पर बच्चों में होता है और बच्चों का शरीर जो है वो नीला पड़ने लगता है। बच्चों का शरीर नीला पड़ने लगता है। तो अगर हम बात करते हैं एक एक से, तो जैसे आपने इटाई के बारे में पहले भी सुना होगा, इटाई जो होता है वो कैडमियम के कारण होता है। इटाई किसके कारण होता है, तो इटाई जो हमारा है वो किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक फुट, तो ब्लैक फुट जो होता है वो आर्सेनिक, जब पानी में, पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तो उससे ब्लैक फुट हो जाता है। एनीमिया जो होता है वो सीसा के माध्यम से फैलता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर फैल जाता है, पानी में नाइट्रेट की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उससे फैल जाता है। साथ ही साथ एक रोग और है जो जापान में फैला था, रोग का नाम है मिनीमाता रोग। कौन सा नाम है, मिनीमाता या मिनीमाता बोलते हैं। जापान में मिनीमाता की खाड़ी में फैला एक रोग है। हुआ क्या था कि जापान की कंपनी के द्वारा कंपनी से निकलने वाले कचरे को मिनीमाता की खाड़ी में डाल दिया गया और उसमें पर्याप्त मात्रा पारा था। उस पारे को मछली ने खाया और मछली को मनुष्य ने खाया, यानी मछली के माध्यम से वो पारा मानव शरीर तक पहुंच गया। और मानव का शरीर सुन्न होने लगा। इस घटना को जापान में मिनीमाता रोग के नाम से जाना गया, क्योंकि मिनीमाता खाड़ी के किनारे स्थित क्षेत्र में यह फैला था। तो इसका ये सही ऑप्शन देख लेते हैं, ए का तीसरा ये वाला मिल गया, ए का तीसरा, बी का चौथा,
सी का पहला ब्लूबिम, सी का पहला कैडमियम। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सात का सही ऑप्शन ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर सात के बाद प्रश्न नंबर आठ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आठ। क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? क्रैकिंग, क्रैक मतलब होता है तोड़ना, कई बार देखते हैं ना एडवर्टाइज आती है क्रैक हो गया, पैरों में दरार पड़ गई, दरार का मतलब क्या होता है वो कुछ समय के बाद टूट जाएगा। आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, सबसे पहले उसमें चटकन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसमें दरार पड़ती है और उसके बाद वो टूटकर क्या हो जाता है, टूटकर अलग हो जाता है, ठीक ना। तो हम क्रैकिंग गैस के बारे में समझते हैं। देखिएगा होता क्या है कि जो हमारे उद्योग हैं या जो हमारी तेल, सॉरी उद्योग नहीं, जो हमारी तेल परिशोधनशालाएं हैं, तेल परिशोधनशाला और वर्तमान समय में तेल परिशोधनशाला, अगर हम बात करें वर्तमान समय में कितनी तेल परिशोधनशालाएं हैं तो इनकी संख्या वर्तमान में 24 है। उत्तर प्रदेश में एक तेल रिफाइनरी है और उत्तर प्रदेश में जो एक तेल रिफाइनरी है कहां पर है, मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा। तो हम लिख लेते हैं यहां पर मथुरा का ही उदाहरण दे देते हैं हम। चलिए हम उदाहरण किसका दे देंगे, मथुरा का। तो तेल परिशोधन शालाओं से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, लेकिन अधिकांश मात्रा में सल्फर यानी गंधक निकलता है। तो तेल परिशोधन शाला से एक यहां से गैस उत्सर्जित हुई और यहां से जो गैस उत्सर्जित होती है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही वायुमंडल में आती है, यह सल्फर डाइऑक्साइड एक दूसरी गैस जिसका नाम है जलवाष्प, एक दूसरी गैस जिसका नाम है जलवाष्प, वाटर वेपर से रिएक्शन कर लेती है और रिएक्शन करने के बाद बना देती है H2SO3 और H2SO3 पुनः H2O से क्रिया करके बना देता है H2SO4 और जब यहां पर H2SO4 बन गया, यहां पर बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद क्या होती है, यहां पर बादल बनने के बाद जब यहां पर वर्षा होती है, तो वर्षा जब होती है तो इस वर्षा में दो चीजें पाई जाती हैं, इस वर्षा में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो वर्षा जल होता है और साथ ही साथ दूसरा क्या होता है, साथ ही साथ H2SO4 होता है। और एक ऐसी वर्षा जिसमें वर्षा जल के साथ साथ H2SO4 पाया जाता है, ऐसी वर्षा को हम एक नाम दे देते हैं और नाम दे देते हैं एसिड रेन। क्या नाम दे देते हैं इसको हम, इसको नाम दे देते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। तो यहां से एक हमें और क्वेश्चन मिल गया कि अम्लीय वर्षा किस अम्ल के माध्यम से होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। समझिएगा ये जो SO2 गैस है, SO2 गैस अगर लगातार किसी पत्थर पर, अगर ये SO2 गैस लगातार किसी पत्थर पर गिरती रहती है तो उस पत्थर को तोड़ देती है, पत्थर को तोड़ देती है, और पत्थर को जब ये तोड़ देगी इसलिए इसको एक और नाम दे दिया जाता है, और नाम दे दिया जाता है क्रैकिंग गैस। तो अगर बात ये करी जाए कि क्रैकिंग गैस या तोड़ने वाली गैस किसको कहा जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है। समझिए अब एक तेल शोधन परिशाला है, कहां पर? मथुरा में, उत्तर प्रदेश। और मथुरा के ही पास में थोड़ी सी दूर पर प्रेम की निशानी है, और प्रेम की निशानी कौन है? ताजमहल। कौन सा? ताजमहल। और ताजमहल किससे निर्मित? पत्थर। लगातार पत्थर यानी ताजमहल पर लगातार SO2 गैस के गिरने के कारण यह संभावना जताई गई थी कि कुछ समय के बाद ताजमहल हो सकता है नष्ट नाबूत हो जाए, टूट जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर लगातार, इस पर लगातार सल्फर डाइऑक्साइड गैस गिर रही है। साथ ही साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग जो होता है, इसका रंग पीला होता है, और लगातार जब यह ताजमहल यानी पत्थर पर गिरती है और ताजमहल का रंग सफेद है, यही कारण है, इसी गैस के कारण ताजमहल का जो रंग है वो दिन प्रतिदिन कैसा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसका रंग पीला होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसका रंग कैसा होता जा रहा है, पीला। तो यहां से तीन क्वेश्चन हमने आपको बताए, देखा जाए तो कई सारे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहां पर है, एक क्वेश्चन तो मैंने ही बताया ताजमहल कहां पर है, ठीक ना। चलेगा, अम्ली वर्षा में कौन सा अम्ल होता है, H2SO4 होता है, उसके बाद क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं, SO2 गैस को कहते हैं, ताजमहल का रंग दिन प्रतिदिन पीला किस गैस के कारण होता जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण, ठीक ना। चलेगा आइए प्रश्न पर, तो प्रश्न था क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है, तो क्रैकिंग गैस का सही आंसर हो गया, क्रैकिंग गैस किसको कहा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक ना। प्रश्न नंबर आठ के बाद आते हैं प्रश्न नंबर नौ पर, अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाली जीएस गैस कौन सी, यहां पर जीएच का अर्थ क्या है, तो ग्रीन हाउस, क्या है यहां पर, यहां पर है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस।
तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है। तो यहां पर दो क्वेश्चन समझने योग्य हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है, और साथ ही साथ में आपने एक नाम सुना होगा ग्रीन या हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आइए हम आपको समझाते हैं, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, इतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, देखिएगा समझिएगा। ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा धरातल है, और हमारे चारों ओर एक गैसों का आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, जिसको नाम दिया जाता है वायुमंडल। और वायुमंडल के ऊपर यहां पर क्या होता है, यहां पर सूर्य होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होते हुए नीचे आता है, तो नीचे जब धरातल पर आता है, तो धरातल कुछ मात्रा में प्रकाश को, कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करता है, कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करता है, साथ ही साथ कुछ मात्रा में प्रकाश को क्या कर देता है, कुछ मात्रा में प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो यदि कोई वस्तु अगर प्रकाश को अवशोषित करती है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब परावर्तित कर देती है तो टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसने कुछ मात्रा में जब ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, और इसी ऊष्मा को क्या करती है, जब ये सतह से बाहर निकालती है, जब ये ऊष्मा सतह से बाहर जा रही होती है, तो हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो इस ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो सतह से परावर्तित सौर प्रकाश को वायुमंडल में जाने से रोकती हैं। ऐसी गैसों को ही ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। ऐसी ही गैसों को क्या कहा जाता है, ऐसी ही गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। अब आप बताइएगा, जब ऊष्मा धरातल से बाहर जा रही है, वायुमंडल जब इसको बाह्य अंतरिक्ष में नहीं जाने देगा, जब वायुमंडल इसको बाह्य अंतरिक्ष में नहीं जाने देगा, तो होगा क्या, ये ऊष्मा यहीं पर हमारे वायुमंडल में तैरती रहेगी, और धीरे 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 हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ा देगी, और वायुमंडल के का जब तापमान बढ़ जाएगा, तो इसी को एक नाम दे दिया गया, और इसको नाम दे दिया जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, ठीक ना। और अगर हम बात करें हरित ग्रह प्रभाव में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो आपकी CH4 होती है, आपकी SO2 होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, O3 होती है, H2 होती है, ठीक ना, ये सारी गैसें होती हैं, ठीक ना, ये सारी गैसें होती हैं। तो यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है, अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस पाई जाती है उसका नाम है जलवाष्प, वाटर वेपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 9 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न कह रहा है वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है। ये चार गैसें लिखी हैं, इसी प्रश्न को हम ऐसे ही पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसके माध्यम से सर्वाधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी H2SO4, और ऑप्शन डी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना। आइएगा तो हम समझते हैं, तो देखिएगा सर्वाधिक वायु प्रदूषण जिस गैस के माध्यम से उत्पन्न होता है, उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो अकेले लगभग 50% वायु प्रदूषण उत्पन्न कर देती है, यानी जो भी वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसमें 50% योगदान तो अकेला CO का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। होता क्या है, मान लीजिएगा ये मानव शरीर है, ये मानव की नासिका है, नाक जहां पर हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन नली। अगर ये CO, यहां मैं पेन चेंज कर लेता हूं, अगर मान लीजिएगा ये व्हाइट कलर से मैं बना रहा हूं, ये मान लीजिएगा CO है, अगर CO मानव शरीर में प्रवेश कर जाती है, अगर CO मानव शरीर में प्रवेश कर जाती है, अगर CO मानव शरीर में पहुंच जाती है, तो यह CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त को उसका कार्य नहीं करने देती है, रक्त को उसका कार्य नहीं करने देती है, रक्त को उसका कार्य नहीं करने देती है, रक्त को उसका कार्य नहीं करने देती है।
और अगर हम बात करें रक्त का क्या क्या कार्य है, तो रक्त क्या करता है, रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, ऑक्सीजन का वाहन कहलाता है। आप साइंस में पढ़े होंगे इस बात को, मुझे साइंस नहीं आती है लेकिन इतना मुझे मालूम है, ठीक ना। तो रक्त का कार्य क्या होता है, रक्त पूरे बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचालन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। अब जब रक्त अपना कार्य नहीं कर पाएगा, यानी हमारे जब संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो क्या हम सांस ले पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमें सांस लेने में समस्या होगी, हमारा दम घुटेगा, और जब हमारा दम घुटेगा तो हमारी हो सकता है मृत्यु हो जाए। और ये दम जिस गैस के कारण घटित हो रहा है, उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इस गैस को दम घोटू गैस भी कहा जाता है, इसलिए इसको एक नाम और दे दिया गया, दम घोटू गैस। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। और यही एक ऐसी गैस है जो लगभग 50% अकेले वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। इतनी सारी चीजें बता दी हमने आपको, तो वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, CO। कौन सी है, CO। बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11, वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा जब तक मैं आपको यहां पर एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कुछ ही दिन शेष हैं खंड शिक्षा अधिकारी के, और इस बैच में निश्चित सफलता पाने हेतु अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप अभी भी पढ़ेंगे तो हो सकता है आप जूनियर या प्राइमरी मास्टर हो और आप अधिकारी बन जाएं, तो अभी भी हमारी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। आपको एक छोटा सा काम करना है, एक नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर 8382955, हमारा एक नंबर है, नंबर मैं फिर से लिख दे रहा हूं 8382955694। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से BEO एंट्री लिखकर भेज देना है। आप देख रहे हैं हमारी टीम जिस प्रकार आपके लिए मेहनत कर रही है, यही मेहनत हम बैच में भी कर रहे हैं, वहां पर भी हमारे सारे बच्चे जो यहां पर देख रहे होंगे वो आपको बता सकते हैं कितनी ईमानदारी से क्लासेस संचालित की जा रही है। चलिएगा, प्रश्न बताइएगा, वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे ज्यादा गैस कौन सी है। तो आइए पहले हम वायुमंडल को समझ लेते हैं। तो वायुमंडल में, वायुमंडल है क्या वास्तव में, तो वायुमंडल जो है गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, और वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पाई जाती है आपके 78%, कितने प्रतिशत, 78। उसके बाद है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, 21%। उसके बाद है आर्गन, और आर्गन पाई जाती है 0.93%। उसके बाद पाई जाती है CO2 0.03%, और उसके बाद अदर गैस है 0.04%। तो सर्वाधिक मात्रा में पूछता तो नाइट्रोजन, दूसरा पूछता तो ऑक्सीजन, यहां पर तीसरा पूछा है तो आर्गन। और यहां से एक प्रश्न और बन जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में लगभग 99% क्षेत्रफल पर, या वायुमंडल में लगभग 99% किन दो गैसों का बना होता है। तो अगर आप नाइट्रोजन का 78 और ऑक्सीजन का अगर 21 जोड़ लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 99। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का योग जो है वो कितना होता है, 99 होता है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे ज्यादा गैस कौन सी, यहां पर तो कौन सी हो जाएगी, आर्गन। कौन सी हो जाएगी, आर्गन गैस। चलिए प्रश्न नंबर 11 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रदूषण से मैंने प्रश्न लिया है, निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें प्रदूषक की, तो प्रदूषक क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, प्रदूषक। और प्रदूषक को हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषक, एक कौन सा है, प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक प्रदूषक। एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक प्रदूषक।
प्राथमिक प्रदूषक और कौन सा प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषकों को कहा जाता है जो स्वतंत्र अवस्था में किसी दूसरी गैस से क्रिया किए बिना क्या करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उनको हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। और ऐसे प्रदूषक जो किसी दूसरी गैस के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उनको हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे अगर आप प्राथमिक प्रदूषक में बात करें तो CO किसी के साथ क्रिया नहीं करता, CO2 भी किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, NO2 भी क्रिया तो करता है लेकिन प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। उसके बाद अगर द्वितीयक में बात करें तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जैसे क्या हो गया, जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प से क्रिया करके, सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प से क्रिया करके क्या करता है, जलवाष्प से क्रिया करके अम्लीय H2SO4 का निर्माण कर देता है, और H2SO4 के कारण अम्लीय वर्षा हो जाती है, और अम्लीय वर्षा के द्वारा कौन सा प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, मृदा प्रदूषण। जहां पर अम्लीय वर्षा होगी वहां की मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, और अम्लीय मिट्टी जब हो जाएगी तो उसमें हमें अधिक मात्रा में उर्वरक डालने होंगे, अधिक मात्रा में वहां पर क्षारीय उर्वरकों का हमें प्रयोग करना होगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा SO2 सबसे सही आंसर इसमें SO2 है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 के बाद प्रश्न नंबर 13। प्रदूषण से लिया गया है, प्रदूषकों का ठोस स्वरूप कौन सा नहीं है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वरूप इसमें प्रदूषकों का ठोस नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा स्वरूप इसमें प्रदूषकों का ठोस नहीं है। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं, यूरिया, पारा, एरोसोल, DDT, अमोनिया, प्रदूषकों का ठोस स्वरूप कौन सा नहीं है। चलिए तो अगर हम बात करें यूरिया की, अगर हम बात करते हैं किसकी, तो अगर हम बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यूरिया किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड, तो यूरिया तो हो नहीं सकता, ठीक ना। उसके बाद पारा, पारा भी हमने बताया था कि जब पारा कहां गया, मिनीमा तक खाड़ी में, तो मिनीमा तक खाड़ी में जब पारा गया तो वहां के जीव जंतु ने इसे खाया, तो पारा भी नहीं हो सकता। और उसके बाद DDT होता है और अमोनिया होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एरोसोल की, तो एरोसोल क्या होता है, एरोसोल धुएं के कण होते हैं जो चिपक जाते हैं, जिसमें मिट्टी और धुआं साथ में पाया जाता है, जिसमें मिट्टी और धुआं क्या पाया जाता है, जिसमें मिट्टी और धुआं साथ में पाया जाता है। तो पहला, सेकंड और फोर्थ नंबर का, ठीक ना, सॉरी फोर्थ नंबर का। तो यहां पर इस ऑप्शन में यहां पर फोर्थ लिख लेते हैं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इसका सही आंसर अमोनिया नहीं होता है, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो हमें अमोनिया लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक ना। चलेगा प्रश्न नंबर 13 के बाद प्रश्न नंबर 14। कह रहा है असत्य मिलान का चुनाव करें, किसका चुनाव करें, असत्य मिलान का चुनाव करें। ऑप्शन ए नॉर्वे, एक साइड क्या है, एक साइड ए भारत के कुछ अभ्यारण और राष्ट्रीय पार्कों के नाम लिखे हैं, और दूसरी साइड उनसे संबंधित राज्य का नाम लिखा है। तो कह रहा है नॉर्वे का संबंध असम से है, सलेम का संबंध आंध्र प्रदेश से है, सिमली पॉल का संबंध उड़ीसा से है, और दिहांग दिवांग का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। हम ऑप्शन ए से अगर बात करते हैं तो नॉर्वे जो कि भारत का एक जनमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ए असम में नहीं है, बल्कि नॉर्वे जो है वो मेघालय में है। नॉर्वे कहां पर है, तो नॉर्वे मेघालय में है। उसके बाद सलेम, पूरा नाम है नागा अर्जुन सलेम, और नागा अर्जुन सलेम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। सिमली पॉल उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। दिबांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, उसी के समीप स्थित है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। कह रहा असत्य मिलान का चुनाव करें, तो ये वाली बात इसमें क्या है, सत्य नहीं है, ये वाला इसमें मिलान सही नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 14 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय विधि नहीं है। देखिएगा, हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करेंगे, हम संरक्षण उसको देते हैं जिस पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा होता है, हम संरक्षण उसको देते हैं जिस पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा होता है। आज मान लीजिएगा मैं आया कोचिंग पढ़ाने, आपको क्लास आपके अटेंड करने, मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं, इसलिए मैं अकेला आता हूं। मान लीजिएगा कल मेरे ऊपर कोई अटैक कर दे, किसी भी प्रकार का कोई अटैक कर दे, तो जब मैं आऊंगा
तो अपने साथ क्या करूंगा, संरक्षण लेकर आऊंगा, जाके कंप्लेंट कराऊंगा या किसी को अपने साथ लेकर आऊंगा, एक बॉडीगार्ड रख लूंगा, ठीक ना। तो संरक्षण जब भी दिया जाएगा पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को जब उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा होता है। तो अगर हम बात करें संरक्षण की विधियों की, अगर हम बात करते हैं किसकी संरक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियां बताई गई हैं। एक विधि का नाम बताया गया स्वस्थानीय इनसीटू मेथड, स्वस्थानीय संरक्षण की विधि इनसीटू, क्या नाम दे दिया गया इनसीटू। और दूसरी का नाम बताया गया बाह्य स्थानीय संरक्षण, और इसको नाम दिया जाता है XC2। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है XC2। स्वस्थानीय का मतलब है अपने स्थान पर, कोई जीव जंतु है उसको यदि उसके निवास स्थान पर, यदि किसी जीव जंतु को उसके निवास स्थान पर संरक्षण दे दिया जाए, निवास स्थान पर यदि उसको संरक्षण दे दिया जाता है, निवास स्थान पर यदि उसको संरक्षण दिया जाता है तो स्वस्थानीय। और यदि किसी जीव जंतु को उसके निवास स्थान से हटाकर किसी दूसरी जगह पर संरक्षण दिया जाता है तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है, इसको नाम दे दिया जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या नाम, बाह्य स्थानीय। आइएगा थोड़ा डीप में चलते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि हम बाह्य स्थानीय संरक्षण कब देंगे, हम किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पेड़ पौधे को या किसी भी मानव को, मानव भी एक प्रकार का जीव जंतु है, हम बाह्य स्थानीय संरक्षण किसी को तभी देंगे जब उस पर खतरा अधिक होगा, जब उस पर खतरा अधिक होगा। मान लीजिएगा किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई मुझे और मैंने प्रोटेक्ट मांगा और मुझे संरक्षण मिल गया और मेरे आसपास चार बॉडीगार्ड खड़े कर दिए। अब मान लीजिएगा मेरे ऊपर ज्यादा ही खतरा है, पता चला कि मेरा घर को हानि पहुंचाने वाले हैं किसी प्रकार की, मान लीजिए मेरे ऊपर कोई मिसाइल से अटैक होने वाला है, तो मुझे बचाने के लिए क्या करेंगे, एक स्थान से मेरा दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देंगे। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रांसफर कर देंगे तो इसी को क्या नाम दिया जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या नाम दे दिया जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। यानी जब खतरा अधिक होता है, जब खतरा अधिक होगा तब बाह्य स्थानीय, और कम खतरा होगा तो स्वस्थानीय। स्वस्थानीय की आपको तीन संरक्षण की विधियां याद रखनी है। पहला आपको याद रखना है राष्ट्रीय पार्क। दूसरा आपको याद रखना है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और उसके बाद आपको याद रखना है वन्य जीव अभयारण्य। ये आपको तीनों के तीन याद रखने हैं, वन्य जीव अभयारण्य। और यहां पर बाह्य स्थान में आपको याद रखना है जैसे चिड़ियाघर कभी गए होंगे, बताइएगा चिड़ियाघर क्या किसी जीव जंतु या किसी पक्षी का क्या प्राकृतिक आवास है, नहीं। उस पर खतरा अधिक होने कारण उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया गया। ऐसे ही होते हैं वनस्पति उद्यान, और साथ ही साथ होते हैं जीन बैंक, और जीन बैंक के अलावा होते हैं बीज बैंक। तो ये सभी जो है बाह्य स्थानीय के हैं, और ये तीन जो है मैंने लिखे हैं इस स्वस्थानीय के। आइए प्रश्न कह रहा है जैव मंडल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय विधि नहीं है, तीन होती है, कौन सा, राष्ट्रीय पार्क होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, और वन्यजीव अभयारण्य होता है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, ऑप्शन सी इसमें से नहीं है, बाह्य स्थानीय की है। वनस्पतिक उद्यान किसकी है, बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि है। आइएगा प्रश्न नंबर 15 के बाद प्रश्न नंबर 16। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमि इसको इंग्लिश में हम वेटलैंड बोलते हैं, वेटलैंड, और दूसरे भाषा में इसी को एक नाम दिया जाता है नम भूमि, वेटलैंड या इसी को क्या नाम दिया जाता है नम भूमि। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को, अभी निकल गई है 2 फरवरी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में, 1971 में ईरान के किस शहर में, रामसर
शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दिवस मनाया जाएगा, जिसका नाम क्या रख दिया गया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है, तो सामर झील भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आती है, कच्छ भूमि या कच्छ का रण भी आता है, चिल्का झील भी आती है, बुलर झील भी आती है, हरिके बांध आता है, कोलेरू झील आती है, बैमनाद झील आती है। पूछ रहे सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है, तो कच्छ का रण। और कच्छ का रण किस नदी के कारण दलदल होता जा रहा है, यानी नम भूमि होता जा रहा है, लूनी नदी के कारण। कौन सी नदी कारण, लूनी नदी कारण। लूनी नदी सामर झील से निकलने के बाद जब कच्छ के रण में आती है, तो कच्छ के रण में रेत होने कारण वो रेत पूरे के पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पूरे के पूरे पानी को सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिस कारण से ऊपर जो है वो रेत होती है और नीचे पानी दलदल का निर्माण हो जाता है, आर्द्र भूमि का निर्माण हो जाता है। सही आंसर कच्छ भूमि। प्रश्न नंबर 16 के बाद प्रश्न नंबर 17। सत्य कथन का चयन करें, बैंथस समुद्री सतह पर उगने वाली वनस्पति है, नेक्टन गहराई में पाए जाने वाली जंतु है, प्लैंकटन समुद्र के तटवर्ती भागों में पाए जाने वाली वनस्पति, प्रबाल मृदु कवची मोलास्क जो मर चुके होते हैं। सही आंसर कथन चयन करना है, आइएगा हम समझाते हैं आपको। देखिएगा वास्तव में ये बायोम से लिया गया प्रश्न है, जलीय बायोम, और जलीय बायोम में एक बायोम हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है खुला समुद्र। जलीय बायोम में एक बायोम पढ़ते हैं हम लोग खुला समुद्र, और खुला समुद्र में 3 चीजें होती हैं। खुला समुद्र के अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा प्लैंकटन। प्लैंकटन प्लैंकटन वनस्पति भी है और प्लैंकटन जीव भी होते हैं। प्लैंकटन वनस्पति भी और प्लैंकटन जीव। प्लैंकटन अगर हम वनस्पति की बात करें तो वास्तव में प्लैंकटन एक ऐसी वनस्पति होती है जो मछली का मुख्य भोजन होती है। मछली का मुख्य भोजन होती है प्लैंकटन वनस्पति, मुख्य भोजन मछली का मुख्य भोजन होती है प्लैंकटन वनस्पति। और ये प्लैंकटन वनस्पति वहीं पर मिलती है जहां पर 2 विपरीत जलधाराएं मिलती हैं, अर्थात जहां पर ठंडी जलधारा और जहां पर गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा और कौन सी जलधारा, जहां पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिलती है वहीं पर प्लैंकटन वनस्पति का निर्माण हो जाता है। तो जू प्लैंकटन और वनस्पति प्लैंकटन है, जू मतलब जीव। उसके बाद एक होता है नेक्टन। नेक्टन किसे कहते हैं, मान लीजिएगा ये समुद्र है आपका, मान लीजिएगा ये समुद्र है और समुद्र में ये अलग अलग गहराई है, मान लीजिएगा ऊपर से 0 हो गया, यहां पर मान लीजिएगा 200 मीटर हो गया, यहां पर मान लीजिएगा 500 मीटर हो गया, यहां पर मान लीजिएगा 700 मीटर हो गया और यहां पर मान लीजिएगा 1000 मीटर हो गया। जब सूर्य का प्रकाश आता है पानी पर पड़ता है तो यह मात्र 200 मीटर तक ही पहुंच पाता है। कितने पहुंच पाता है, मात्र 200, यानी समुद्र की सतह से सूर्य का प्रकाश 200 मीटर अंदर तक ही प्रवेश कर पाता है, ठीक ना। उसके बाद नेक्टन कहते किसे हैं, समुद्र में अलग अलग गहराइयों में, समुद्र में अलग अलग गहराइयों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को नेक्टन कहा जाता है। नेक्टन क्या होते हैं, समुद्र में अलग अलग गहराइयों में, अलग अलग गहराइयों में, अलग अलग गहराइयों में पाए जाने वाले जलीय जीव, अलग अलग गहराइयों में पाए जाने वाले जलीय जीव को हम क्या कहते हैं, नेक्टन। जैसे सबसे नीचे ऑक्टोपस पाया जाता है, ऊपर मछली, व्हेल मछली, सील मछली, क्रैब होता है इनका, ठीक ना। उसके बाद एक होता है बैंथस। अगर हम बात करें बैंथस क्या होता है, तो जो तटवर्ती क्षेत्र होता है तट, यहां पर समुद्र आके टकराता है, बंगाल की खाड़ी है, यहां पर क्या है, यहां पर अरब सागर है। तो तटीय क्षेत्रों में जो वनस्पति का विकास होता है या तटीय क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको बैंथस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंथस। आइएगा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बैंथस, तो हमने अभी बताया कि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जो वनस्पति होती है, यहां पर लिखा है समुद्री सतह। समुद्री सतह अलग बात है और समुद्री तट, सतह का मतलब बीच भी हो सकता है, तो ये वाली बात गलत है, ठीक ना। उसके बाद नेक्टन, हमने बताया नेक्टन क्या होते हैं, गहराई में पाए जा अलग अलग गहराइयों में पाए जाने वाले क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं। सही बात है, गहराई में पाए जाने वाले जीव जंतु, लेकिन यहां पर ये नहीं लिखा अलग अलग गहराइयों में, गहराई में पाए जाने वाले जीव जंतु। उसके बाद लिखा प्लैंकटन, और हमने प्लैंकटन के बारे में बताया कि
समुद्र में जहां पर ठंडी और गर्म दो जल धाराएं मिलती हैं वहां पर प्लैंकटन वनस्पति का निर्माण होता है। कह रहा है समुद्र के तटवर्ती तट के समीप तो बैंथस होता है, तो ये वाली बात इसमें गलत हो गई। उसके बाद क्या है प्रवाल, प्रवाल क्या होता है आइए इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रवाल की तो इसको इंग्लिश में कोरल कहते हैं। प्रवाल एक समुद्री जीव होता है, प्रवाल क्या है एक समुद्री जीव है और ये समुद्री जीव उष्णकटिबंधीय सागर या महासागर में पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय सागर या महासागर में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सागर या महासागर। और अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय सागर या महासागर कहां से कहां तक होता है तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। समुद्री जीव यानी प्रवाल वास्तव में एक कवच के अंदर पाया जाता है, इस कवच का एक सिरा जो होता है बंद होता है और दूसरा सिरा खुला होता है। और ये प्रवाल जो है यानी समुद्री जीव जिसमें पाया जाता है प्रवाल, एक कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है, जो इसका ये भाग खुला होता है, खुले हुए भाग से ये भोजन के रूप में किसको ग्रहण करता है, खुले हुए भाग से भोजन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो ये इसका सिरा बंद हो जाता है, तो अंदर तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो अंदर जो जीव है प्रवाल उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब एक प्रवाल मर जाता है तो दूसरा प्रवाल आके उससे चिपक जाता है, इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है, इसी श्रृंखला को प्रवाल भित्ति नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है श्रृंखला को, इस श्रृंखला को एक नाम दे दिया जाता है प्रवाल भित्ति। और विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है उसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है उसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। और एक ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है, एक ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, एक ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रवाल मृदुकवची मोलास्क है, जो मर चुके होते हैं, मरे भी रहते हैं जिंदा भी रहते हैं, तो ये वाली बात इसमें सही नहीं है। तो नेक टन गहराई में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, ये वाली बात इसमें सबसे सही है, तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 18, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है एक महाद्वीप भी है, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को एक नाम दिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया को नाम दिया जाता है प्यासी भूमि का देश। क्या नाम दिया जाता है, प्यासी भूमि का देश। वर्षा कम होने के कारण यहां का अधिकांश क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो गया और यहां पर 6 मरुस्थल है। कितने मरुस्थल है, 6। 6 में कौन कौन से मरुस्थल हैं, एक मरुस्थल है जिसका नाम है विक्टोरिया डेजर्ट, विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल के बाद दूसरा है जिसका नाम है विक्टोरिया के बाद ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद एक है जिसका नाम है गिब्सन, उसके बाद एक मरुस्थल है जिसका नाम है तनामी, तनामी मरुस्थल। तो विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, तनामी, उसके बाद है स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी, और उसके बाद एक और बचता है जिसका नाम है सिम्पसन। कौन सा है, सिम्पसन। ए 6 के 6 मरुस्थल कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में प्यासी भूमि का देश। कह रहा है निम्न से कौन सा रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता, सिम्पसन पाया जाता है, तनामी पाया जाता है, स्टुअर्ट पाया जाता है, सोनोरन, सोनोरन नहीं पाया जाता है। सोनोरन जो मरुस्थल है वो जिस देश में पाया जाता है वो देश का नाम क्या है, वो देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 18 के बाद प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो भोज्य पदार्थों का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला। उत्पादक उपभोक्ता को खाएगा, सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाएगा, द्वितीयक प्राथमिक को खाएगा, तृतीयक द्वितीयक को, तो एक श्रृंखला बन जाएगी, भोजन की एक श्रृंखला बन जाएगी, उसी श्रृंखला को नाम दिया जाता है खाद्य श्रृंखला। पूछ रहा घास श्रृंखला का सही क्रम, तो घास, घास को कौन खाएगा, तो घास को खाएगी इसमें हिरण, और हिरण को कौन खा जाएगा, शेर, और शेर के शरीर में छोटे छोटे से जू होते हैं जिसको हम लोग आम भाषा में जुआ भी बोलते हैं, और वो क्या करेगा, वो उसका खून चूसता है, खून क्या करता है,
चूसता है तो शेर का खून कौन चूसेगा? जू। तो घास, घास को घास क्या हो गई यहां पर, तो यहां पर घास हो जाती है हमारी उत्पादक, उत्पादक। हिरण क्या हो जाता है? हिरण हो जाता है प्राथमिक। और शेर क्या हो जाएगा यहां पर? इस अनुसार शेर हो जाएगा द्वितीयक, ठीक ना। तो कह रहा है घास, घास परितंत्र का या घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, तो घास को हिरण, हिरण को शेर और शेर को जू खाएगा। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। घास को हिरण, हिरण को जू, जू को शेर, जू को शेर नहीं खा सकता। घास को जू, जू को हिरण नहीं, हिरण जू को नहीं खा सकता। घास को शेर, शेर नहीं, हिरण शेर को नहीं खा सकती। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 19 के बाद प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम। देखिएगा, हम सबसे पहले समझते हैं 10% का नियम क्या है। देखिएगा, जो खाद्य श्रृंखला होती है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, इस खाद्य श्रृंखला में भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अभी अभी मैंने बताया। तो उत्पादक को कौन खाता है? उत्पादों को खाता है उपभोक्ता। कौन सा उत्पाद? उपभोक्ता प्राथमिक। उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन ग्रहण करेगा? प्राथमिक को द्वितीयक, द्वितीय को उपभोक्ता। और द्वितीय को कौन ग्रहण करेगा? तो द्वितीय को ग्रहण करता है तृतीयक, तृतीय को उपभोक्ता। द्वितीय को कौन करेगा? तो द्वितीय को ग्रहण करता है तृतीय को उपभोक्ता, ठीक ना। जो उत्पादक के पास जो ऊर्जा है, जब इसको खाएगा प्राथमिक, तो ऊर्जा कहां चली जाएगी? प्राथमिक के बाद। प्राथमिक को जब द्वितीय खाएगा तो ऊर्जा किसके पास चली जाएगी? द्वितीय के पास। और जब द्वितीय को तृतीय खाएगा तो ऊर्जा किसके पास चली जाएगी? तृतीय। लेकिन क्या अगर इसके पास 100 यूनिट या 100 जूल ऊर्जा है तो क्या 100 की 100 जूल चली जाएगी? नहीं, इस ऊर्जा का जो 100 जूल ऊर्जा है, इसका मात्र कितने प्रतिशत ट्रांसफर हो पाता है? इसका मात्र 10% ट्रांसफर हो जाता है। इसी को नाम दे दिया गया 10% का नियम। और 10% का नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया, उस वैज्ञानिक का नाम है लिंडमान। क्या नाम है? लिंडमान या लिंडेमान। और इसलिए इसे 10% का नियम या लिंडेमान का नियम कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछता है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक, तो लिंडमान या लिंडेमान, कौन सा? लिंडमान या लिंडेमान, ठीक ना। चलेगा प्रश्न नंबर 20 के बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है किसी परितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी तथा अपघटक, पौधे तथा जंतु, जैविक और अजैविक पदार्थ। देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या किसी भी परितंत्र में दो घटक होते हैं, किसी भी पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक जिसको इंग्लिश में बायोटेक बोलते हैं, और एक अबायोटेक जिसको इंग्लिश में अजैविक बोलते हैं। एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत हमारे उत्पादक आते हैं, उत्पादक के बाद हमारे उपभोक्ता आते हैं, और उपभोक्ता के बाद हमारे अपघटनकर्ता आते हैं। उत्पादक के बाद अपघटनकर्ता आते हैं। और अजैविक में बात करें तो अजैविक में हमारा जल आता है, हमारी वायु आती है, हमारा स्थल आता है, और हमारी ऊष्मा आती है, ऊर्जा, ठीक ना, सूर्य का प्रकाश। तो किसी भी परितंत्र के दो घटक होते हैं, इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं वायुमंडल के दो घटक, सॉरी जो हमारा पर्यावरण है उसके दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, या पर्यावरण जो है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ है, हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें, किसी परितंत्र में होते हैं, तो किसी परितंत्र में क्या होते हैं? जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 21 के बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, ठीक ना। अगर हम बात करें तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो वायु में नोबल गैस जो होती है वो अक्रिय भी कह सकते हैं आप, जो सबसे ऊपर पाई जाती है नोबल या अक्रिय। और नोबल गैसें जो है वो जिस मंडल में पाई जाती है उस मंडल का नाम क्या है? उस मंडल का नाम है बाह्य मंडल। क्या नाम है? इस मंडल का नाम है बाह्य मंडल।
और इस वायुमंडल में गैसें तो सब पाई जाएंगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में जो है वो रेडॉन पाई जाती है, और रेडॉन जो है वो वायु का अंग नहीं होती है, वायु से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, ठीक ना। चलेगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 22 के बाद प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है विश्व का सर्वाधिक शांत पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो शांत पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात की जाए कि शांत पारिस्थितिकी तंत्र का यहां पर मतलब क्या है, तो यहां पर शांत पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहां पर मानव का किसी भी प्रकार का जहां पर हस्तक्षेप ना हो। और मानव क्यों हस्तक्षेप करेगा, अगर इस बात पर बात करें तो मानव दो ही कार्य के लिए जंगल या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जाता है, या तो वृक्षों के लिए, तो वृक्षों की वो क्या करता है, वृक्षों की कटाई करता है, और या फिर किसके लिए जाता है, या फिर जाता है जानवर का शिकार करने के लिए, या फिर किसके लिए जाता है, जानवर का शिकार करने के लिए जाता है, किसके लिए, जानवर। अब हम कहें अगर वृक्ष, तो वृक्ष क्या है, वृक्ष उत्पादक होते हैं, और जानवर क्या है, तो जानवर उपभोक्ता होते हैं। अगर मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछूं कि उत्पादक यानी वृक्षों की संख्या कहां अधिक होगी, तो वृक्षों की संख्या वहां पर अधिक होगी जहां पर वर्षा अधिक होगी, और वर्षा वहां अधिक होती है जहां का तापमान अधिक होता है। अगर हम इन चार ऑप्शन में से बात सीधी करते हैं टुंड्रा बायोम की, तो टुंड्रा बायोम जो है अगर हम उसको पृथ्वी पर इंडिकेट करें तो ध्रुव के समीप पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ध्रुव पर। और हम जानते हैं कि विषुवत रेखा से चाहे आप उत्तर ध्रुव की ओर जाइएगा या विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाइएगा, तापमान में हमेशा कमी आती है। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर तापमान बहुत कम होने के कारण जब यहां पर वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति का विकास नहीं होगा, और वनस्पति का विकास नहीं होगा तो उपभोक्ता का विकास नहीं होगा, इसलिए यहां पर मानव क्रियाकलाप संभव नहीं है, या मानव चाह करके भी यहां पर प्रवेश नहीं करेगा, यहां पर किसी प्रकार की मानव के हस्तक्षेप नहीं होंगे। तो सबसे शांत वायु कौन सा हो जाएगा, टुंड्रा वायु, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 प्रश्न नंबर 23 से संबंधित ये थोड़ा थोड़ा सा देखिएगा, क्या कह रहा है, किस वायु में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, किस वायु में प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। अगर हम बात करें प्राथमिक उत्पादकता की, तो उत्पादकता का मतलब यहां पर प्राथमिक उत्पादकता का मतलब यहां पर होती है वनस्पति। यहां पर किसका अर्थ होता है प्राथमिक उत्पादकता से, वनस्पति, और वनस्पति के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे आते हैं। वनस्पति के अंतर्गत क्या आते हैं, वनस्पति के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे आते हैं, और पेड़ पौधे यानी कोई भी वनस्पति वहीं पर अधिक होगी जहां पर उसकी वर्षा की मात्रा अधिक होगी। क्या अधिक होगी, वर्षा की मात्रा, और वर्षा की मात्रा जो है वहीं पर अधिक होगी जहां पर तापमान। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तापमान एकमात्र कारक है जो वर्षा को प्रभावित करता है, लेकिन वर्षा को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक तापमान ही है। और आपको यहां से एक बात याद रखनी है कि तापमान का जो संबंध है वो वर्षा से सीधा होता है, अर्थात जहां का तापमान अधिक होगा वहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी, जहां पर तापमान कम होगा वहां की वर्षा की मात्रा कम होगी। इतनी बात याद रखनी है। अगर मैं पृथ्वी बनाऊं और पृथ्वी पर सारे बायोम को प्रदर्शित करूं, तो ऐसी हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर मैं एक बायोम यहां बनाता हूं जो कर्क और मकर रेखा के बीच का होता है, इसका नाम है उष्णकटिबंधीय बायोम। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है उष्णकटिबंधीय बायोम। और अगर बात करें हम उष्णकटिबंधीय बायोम की, तो उष्णकटिबंधीय बायोम, उष्ण का मतलब क्या है, यहां पर टेम्परेचर अधिक रहता है, और अगर यहां पर तापमान अधिक रहेगा तो यहां पर वर्षा भी अधिक होगी, और अगर यहां पर वर्षा अधिक होगी तो यहां पर वनस्पति यानी प्राथमिक उत्पादकता का विकास सर्वाधिक होगा। किसका विकास सर्वाधिक होगा, प्राथमिक उत्पादकता का। तो कह रहा है कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, रूम सागरी सागरी बायोम की बात कर रहा है, मानसूनी बायोम, या विषुवत बायोम, या टैगा बायोम। तो यहां पर तो उष्णकटिबंधीय बायोम दिया ही नहीं गया, अब नहीं दिया गया तो देख लीजिएगा, नहीं दिया गया, जब उष्णकटिबंधीय बायोम नहीं दिया गया तो आंसर क्या लगाएंगे सर, हम आंसर ये लगाएंगे, हम इसी पर मैं समझाता हूं आपको कि ऐसी हमारी पृथ्वी होती है, ये हमारी पृथ्वी होती है, ऐसी पृथ्वी है, यहां पर कर्क रेखा होती है और यहां पर मकर रेखा। तो कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ, और उसके बाद यहां पर 0 डिग्री होती है विषुवत रेखा।
यहां पर एक अक्षांश होता है 10 डिग्री नॉर्थ और यहां पर एक अक्षांश होता है 10 डिग्री साउथ। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के जो बीच का क्षेत्र है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के जो बीच का क्षेत्र होता है, इसी को हम विषुवत रेखीय बायोम कहते हैं। और यहां पर वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहां का तापमान अधिक होता है। तो उष्णकटिबंधीय बायोम यहां पर ऑप्शन न होने के तहत जो आंसर सही होगा वो होगा विषुवत रेखीय वन बायोम। और विषुवती वन बायोम जो होता है वो विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र होता है। तो यहां की उत्पादकता सर्वाधिक होगी। प्रश्न नंबर 24 के बाद प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जून से 7 जून, ठीक है ना, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 अगस्त से 7 अगस्त। तो अगर हम बात करें वन महोत्सव की, तो वन महोत्सव जो है वो के एम मुंशी, जो कि संविधान सभा से संबंधित है, के एम मुंशी के द्वारा भारत में लाया गया और ये भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है वन महोत्सव। यहीं पर कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं जिनमें वनों की बढ़ावा या वनों की संख्या में वृद्धि करने के कई सारे संकेत दिए जाते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। तो वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य, 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26, एक क्वेश्चन मैं आपको भूगोल में भी कराया था, लेकिन घास बायोम के अंतर्गत ये पर्यावरण में भी पूछा जाता है। घास बायोम के अंतर्गत ये पर्यावरण में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। लानोज स्टेपी प्रेरीज बेल्ड, तो हम सीधा सीधा बताते हैं, पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है, जो बेल्ड घास के मैदान है ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। जो बेल्ड घास के मैदान है कहां पाए जाते हैं? बेल्ड घास के मैदान आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका ना लिख के यहां पर अफ्रीका लिखा है। उसके बाद प्रेरीज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? प्रेरीज घास के मैदान यूएसए में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? यूएसए में पाए जाते हैं, महाझीलों के क्षेत्र में। और प्रेरीज या प्रेरी घास के मैदान में मक्का और गेहूं की कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। तो प्रेरीज का संबंध किससे है? यूएसए। और यूएसए किस महाद्वीप में है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। अच्छा, यहां पर महाद्वीपों के नाम है, ठीक ना, एक साइड। उसके बाद लानोज, लानोज जो घास के मैदान है, ये लानोज घास के मैदान वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? वेनेजुएला देश। और वेनेजुएला देश का जो संबंध है वो जिस महाद्वीप से है उस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो लानोज घास के मैदान जो है वो कहां पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। उसके बाद एक बचता हमारा स्टेपी, स्टेपी घास के मैदान। तो स्टेपी घास के मैदान आपके कहां पाए जाते हैं? वो आपके यूरोप में पाए जाते हैं। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलेगा प्रश्न नंबर 26 के बाद प्रश्न नंबर 27। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान समय में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में वर्तमान समय में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो है 18 है, जहां पर किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया। और इन 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी सारणी में शामिल किया है। किसने? यूनेस्को। यूनेस्को की सारणी में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 11 है। तो यहां पर ये पूछा जा रहा है, एक साइड जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र लिखा है और दूसरी साइड उसका स्थापना वर्ष लिखा है, कब उसकी स्थापना की गई। तो सबसे पहले जिस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी उसका नाम है नीलगिरी। अगर हम बात करें नीलगिरी कहां है, तो नीलगिरी जो है आपका वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीन राज्यों में फैला है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और नीलगिरी की जो स्थापना है वो 1886 में की गई। उसके बाद नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 88 में की गई थी। कंचनजंगा, कंचनजंगा जिसको वर्ष 2018 में यूनेस्को की सारणी में शामिल करके इसको 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया था। कहां पर? यूनेस्को की सारणी में। और इसको किस वर्ष जैव मंडल आरक्षित घोषित किया गया क्षेत्र? वो है आपका वर्ष 2000। और अमरकंटक अचार कमार ये कब बनाया गया? 2005।
ठीक ना। तो इसका सही सुमेल है ये, बिल्कुल सही से लगा है। एक दो तीन चार देख लीजिएगा, एक दो तीन चार किसी में हूं, ए है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। यहां से सबसे ज्यादा बनने वाला प्रश्न ये आता है, भारत का पहला जनमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम बताएं, तो भारत का पहला जनमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी है, ठीक ना। कहां पर है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 27 के बाद प्रश्न नंबर 28, बहुत बढ़िया प्रश्न। निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा। चलिए इस प्रश्न को मैं बता चुका हूं, अब देखता हूं मैंने कहां बताया है, देखिएगा ये बताया मैंने प्रवाल भित्ति के बारे में, प्रवाल क्या होते हैं इसके बारे में अभी हमारी चर्चा हुई थी, इसी मैं आगे बढ़ा लेता हूं। मैंने बताया था प्रवाल क्या है, एक समुद्री जीव है और इस समुद्री जीव उष्णकटिबंधीय सागर या महासागर में पाया जाता है, और उष्णकटिबंधीय सागर या महासागर कहां पर है, तो उष्णकटिबंधीय सागर या महासागर कहां है, कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, किसको कहते हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, ठीक ना। चलिएगा यहां पर समझिएगा, अगर मैं भारत बनाऊं तो ये रहा हमारा भारत, यहां पर ये हमारा भारत है, और भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उस रेखा का नाम क्या है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा, और जो रेखा यहां से गुजरती है इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। एक कर्क रेखा है और दूसरी कौन सी, विषुवत रेखा, और सबसे नीचे से यहां से गुजरती है इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है मकर। हमने आपको बताया कि जो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है और नाम दिया जाता है उष्णकटिबंध। क्या नाम दिया जाता है इसको, नाम दिया जाता है उष्णकटिबंध, इसको नाम दिया जाता है। और प्रवाल भित्ति या प्रवाल जो है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर अंडमान निकोबार है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता पाया जाता है, यहां पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी अंडमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यहां पर भी पाया जाता है, यहां पर श्रीलंका है और भारत और श्रीलंका के मध्य में यहां पर एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। साथ ही साथ यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम है खंबात की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। तो भारत में प्रवाल भित्ति तीन स्थानों पाई जाती है, खंबात की खाड़ी में पाई जाती है, और कहां पाई जाती है, लक्षद्वीप में पाई जाती है, और कहां पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, और साथ ही साथ कहां पाई जाती है, साथ ही साथ पाई जाती है अंडमान निकोबार। तो इन तीन स्थानों पर, सॉरी इन चार स्थानों पर भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा प्रवाल भित्ति का जो विकास है वो गर्म जल में होता है, और गर्म जल कहां से कहां तक होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में, ठीक ना। अब प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, खंबात की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार खाड़ी में पाई जाती है, लेकिन सुंदरबन डेल्टा में नहीं पाई जाती। यानी एक दो तीन सही है, एक दो तीन सही है, ठीक ना, एक दो और तीन सही है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया है, यहां पर खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, इन दोनों को साथ ही में लिख लीजिएगा, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन आप आमतौर पर किताब पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी वहां पर ऑप्शन नहीं लिखा रहता है, लेकिन आता है तो आपको यहां पर मेंशन कर लेना, ठीक ना। चलिएगा, और अगर बात करें हम लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप का निर्माण ही कोरलों के द्वारा हुआ है, लक्षद्वीप का तो निर्माण ही कोरलों के द्वारा हुआ है, कोरल के द्वारा जब कई सारे कोरल मिल गए तो एक द्वीप का निर्माण कर दिया, उसी को नाम दे दिया गया कोरल द्वीप। क्या नाम दे दिया गया उसको, उसको एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया उसको कोरल द्वीप, ठीक ना। तो अगर पूछे भारत का कोरल द्वीप कौन सा है, तो भारत का कोरल द्वीप का नाम बताएंगे आप क्या, लक्षद्वीप, इसको मूंगा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। चलेगा प्रश्न नंबर 28 के बाद प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से, जहां पर जैव विविधता का भंडार होता है उसी को हम जैव भंडार या जैव विविधता का क्षेत्र कह देते हैं, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ी पर फैला हुआ है? अगर हम बात करें सबसे पहले गारो पहाड़ी, तो गारो पहाड़ी कहां पर है, गारो पहाड़ी मेघालय में, गारो पहाड़ी कहां पर है, मेघालय में, और मेघालय में जो मेघालय में गारो पहाड़ी के अलावा दो पहाड़ियां और हैं, एक का नाम है खासी पहाड़ी और एक का नाम है जयंतिया, एक का नाम है खासी पहाड़ी और एक का नाम क्या है, जयंतिया। इस खासी पहाड़ी पर एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है नौकरेक, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नौकरेक, ठीक ना। तो
भारत के कौन सा गारो पहाड़ी पर नौकरी, अगर हम अगस्ता मलाई की बात करते हैं तो ये अगस्ता मलाई जो है वो कहां पर है, ये अगस्ता मलाई आपका तमिलनाडु में है। दिहांग देवांग की बात करते हैं, ये पहले भी हमने एक बार बताया है, ये आपका कहां पर है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद अगर नंदा देवी की बात करते हैं तो नंदा देवी हमारा कहां पर है, तो नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहां पर है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो ये प्रश्न नंबर 29 था, 29 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन था, भारत का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य, बल्कि यहां पर राष्ट्रीय पार्क होना चाहिए था, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क, मैं पार्क लिख दे रहा हूं, नेशनल पार्क कौन था। तो अगर बात करें भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 में निर्मित किया गया था जिम कार्बेट को। किसको, जिम कार्बेट को 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। और जिम कार्बेट को पहले हैली नाम से जाना जाता था, पहले जिम कार्बेट को किस नाम से जाना जाता था, तो इसके पहले जिम कार्बेट को हैली नाम से जाना जाता था। और ये जिम कार्बेट अर्थात हैली भारत के जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम क्या है, तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। राज्य का नाम क्या है, तो इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, जिम कार्बेट। अब बांदीपुर की बात करें तो ये केरल में है, डांप वन्य जीव अभ्यारण, ठीक ना, और मानस और यहां डाफला था, मानस जो है वो असम में, ठीक ना। चलिए, तो पहला जिम कार्बेट है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, ठीक ना, 1936 में निर्मित हुआ, पहले हैली नाम से इसको जाना जाता था। प्रश्न नंबर 31 आप लोग समझिएगा, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, समझिए। प्रश्न नंबर पहला है जो मैंने प्रश्न एक पढ़ा है तो उसी से संबंधित है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड जिसको हम WWF कहते हैं, इसे फोर नेचर, नेचर से संबंधित है, जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय कहां पर है, क्वेश्चन हो चुका है, पहला ही क्वेश्चन था इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा शहर में है। जेनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। चलिएगा, तो एक रिपीटेड हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 32, सुमेलित करना है, एक साइड अभ्यारणों के नाम लिखे हैं और दूसरी साइड उनसे संबंधित राज्य लिखे हैं, राज्य 5 लिखे हैं जबकि अभ्यारणों की संख्या 4 है। तो बांदीपुर कहां पर है, दाचीगांव कहां पर है, मानस कहां पर है, पेरियार कहां पर है। तो अगर हम बात करते हैं बांदीपुर की, तो बांदीपुर कर्नाटक में है, दाचीगांव जम्मू कश्मीर में है, मानस कहां पर है, तो मानस असम में है, और पेरियार कहां पर है, तो पेरियार केरल में है। पेरियार कहां पर है, पेरियार केरल में। शायद मैं पिछले वाले में बांदी, देखिएगा कई बार ऐसा होता है कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट है, ठीक ना, बहुत फास्ट, एक समय निर्धारित होता है कि इतने समय में करना होता है, क्योंकि लंबा वीडियो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक ना, और आप लोगों के डाटा खर्च हो सकते हैं। तो बांदीपुर कर्नाटक में, शायद मैं पहले केरल बोल गया, कर्नाटक में है, दाचीगांव कश्मीर में है, मानस असम में है, और पेरियार कहां पर, केरल में। तो एक का तीसरा मिल गया, इसमें ही मिल गया, बी का पहला ए मिल गया, सी का दूसरा, इसमें तो सब में सी का तीसरा लिखा, तो सी का दूसरा होगा भैया, ठीक ना, मानस असम में है, और पेरियार डी का कौन सा हो जाएगा, डी का चौथा हो जाएगा, यानी यहां पर दो बार ए लिख गया, थर्ड में भी लिखा ए, तो इसका ये सही हो जाएगा। आपको बस मिलान याद रखना है, ठीक ना, आपको मिलान याद रखने, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 के बाद प्रश्न नंबर 33 कह रहा है ऑपरेशन कोलेरू क्या है, करंट से लिया है मैंने, कह रहा है व्यापक नदी अनुबंध परियोजना है, आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना है, एक बृहद नगर को पेय जलापूर्ति की परियोजना है, एक दक्षिणी राज्य की ग्रामीण पेय जल पूर्ति परियोजना है। अगर हम बात करते हैं कोलेरू क्या है, तो कोलेरू की अगर हम बात करें तो कोलेरू एक झील है, कोलेरू क्या है, तो कोलेरू एक झील है, और एक कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोलेरू झील जो है वो जिस राज्य में, उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। और अगर हम मानचित्र में बनाए तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है और दो नदियों के डेल्टाओं के बीच है। इस नदी का नाम है कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, सॉरी एक नदी ऊपर वाली जो है गोदावरी है, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में जाकर डेल्टा बनाती है।
इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम कृष्णा, ये भी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तो गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में यहां पर एक झील है जिसका नाम है कोलेरू। और ये कोलेरू झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी दलदल झील है। ये भारत की सबसे बड़ी कौन सी झील है? ये भारत की सबसे बड़ी दलदल झील है। और दलदल झील को हम नम भूमि के नाम से भी जानते हैं, आर्द्र भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो आर्द्र भूमियों के सुधार के लिए, आर्द्र भूमियों के सुधार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन कोलेरू चलाया गया था। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आर्द्र भूमि या नम भूमियों के सुधारीकरण के लिए, उनको सुधार लाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको नाम दे दिया गया कोलेरू परियोजना या ऑपरेशन कोलेरू। तो ऑपरेशन कोलेरू क्या है? आर्द्र भूमि सुधारीकरण की एक परियोजना है, आर्द्र भूमि सुधारीकरण की एक परियोजना है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 के बाद प्रश्न नंबर 34। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? एक क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आइएगा हम समझा देते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कहां पर एक क्वेश्चन हुआ था। मैंने आपको तेल परिशोधनशाला के बारे में बताया था, मथुरा में उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल परिशोधनशाला है, जहां पर मैंने बताया था यहां से SO2 गैस निकलती है, H2O से क्रिया करती है, H2SO3 बनाती है, फिर H2SO3 H2O से क्रिया करता है और निर्माण कर देता है, किसका निर्माण कर देता है? H2SO4। और जब ये H2SO4 वर्षा के जल के साथ धरातल पर आता है तो इस वर्षा को अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो हमारे जेट विमान है, उनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, 3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं तो ये वायुमंडल में जाते हैं और वायुमंडल में जल से क्रिया करके निर्माण कर देते हैं नाइट्रिक अम्ल का। निर्माण किसका कर देते हैं? तो निर्माण कर देते हैं नाइट्रिक अम्ल का। और वायुमंडल में जब नाइट्रिक अम्ल बन जाता है तो यहां पर बादल बनते हैं, और बादल के बाद जब यहां पर वर्षा हो जाती है तो इस वर्षा जल में जल होता है और जल के साथ साथ HNO3 होता है। तो एक ऐसी वर्षा जिसमें जल और HNO3 दोनों होते हैं, इसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एक नाम दे दिया जाता है, और इंग्लिश में नाम दे दिया जाता है एसिड रेन। क्या नाम दिया जाता है इसको? इसको नाम दे दिया जाता है एसिड रेन। तो एसिड रेन दो गैसें कराती हैं या दो अम्ल कराते हैं, एक H2SO4 कराता है और एक HNO3। अब आपका एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि अम्लीय वर्षा कराने के लिए कौन कौन से अम्ल उत्तरदायी होते हैं, तो दो, H2SO4 और HNO3। और अगर गैस पूछ ले तो एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, CO तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तथा CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो आंसर ढूंढ लिए होंगे, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 के बाद प्रश्न नंबर 35। ये भी क्वेश्चन मैंने गलती से बता दिया था आपको, गलती से क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, हमारे पास वायुमंडल है और वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। जो सबसे नीचे वाली परत होती है, इस परत का नाम होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद जो परत होती है, यहां पर टेम्परेचर समान पाए जाने के कारण ऊपर और नीचे हमेशा टेम्परेचर समान होता है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया जाता है, और नाम दे दिया जाता है समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल इसको नाम दिया जाता है। और समताप मंडल में ही ओजोन गैस की एक परत होती है, और समताप मंडल में ओजोन गैस की जो परत होती है इसको ओजोन परत के नाम से जानते हैं। और ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, और इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और ये ओजोन परत करती क्या है? सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को रोकती है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्सन में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डॉप्सन में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है,
तो ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है ना। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई को मापने में। किसमें किया जाता है, ओजोन परत की मोटाई को मापने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 35 के बाद प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। ब्लैक फुट आमतौर पर जानवरों में होने वाला एक रोग है जिसमें जानवरों का जो पैर है उस पैर का आकार बढ़ता जाता है। जानवरों का जो पैर है पैर का आकार क्या हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। और ये घटना तब होती है जब जल में किसकी मात्रा मिलाई जाती अधिक होती है, तो जल में किसकी मात्रा अधिक होती है, आर्सेनिक। तो जब जल में पीने योग्य जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है तो ब्लैक फुट नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कौन सी, ब्लैक फुट। और नाइट्रेट की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम की अधिकता होने पर इटाइटाई नामक रोग, और पारा की अधिकता होने पर मिनी माता रोग उत्पन्न हुआ था, ठीक ना। चलेगा प्रश्न नंबर 36 के बाद प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37, दो बड़ी घटनाएं जिन्हें एमआईसी की बात कर रहे हैं, तो एमआईसी एक गैस है, एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड कह रहा है दो बड़ी घटनाएं जिन्हें एमआईसी मिक, यानी एमआईसी को मिक भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड तथा चेर्नोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है, कहां और कब घटित हुई। देखिएगा भारत देश में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में, और कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको घटना को नाम दिया जाता है भोपाल गैस त्रासदी। क्या नाम दिया जाता है, घटना को नाम दिया जाता है भोपाल गैस त्रासदी। और चेर्नोबिल नाम की भी ऐसी एक त्रासदी हुई थी यूक्रेन में। तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से 1984 में हुई थी कहां पर, भारत में, और 1986 में हुई थी कहां पर, यूक्रेन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी मानी गई थी, कौन सी गैस उत्तरदायी मानी गई थी, तो गैस का नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, एमआईसी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38, चलिए निम्न ग्रीन हाउस गैसों में वह कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, वह कौन सी गैस है। देखिएगा अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन अच्छे समझ, क्वेश्चन सही है, ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो ट्रोपोस्फीयर कहां होता है, तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, और यहां पर समताप मंडल होता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तो यहां पर समताप मंडल में परत होती है, अभी अभी मैंने बताया आपको, और इस परत का नाम क्या है, ओजोन लेयर। इसका नाम क्या है, ओजोन लेयर इसका नाम होता है। कह रहा है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऐसी गैसें जो क्या करती हैं, पृथ्वी से निष्कासित होने वाली ऊर्जा या ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, उसी को क्या नाम दिया जाता है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक ना। तो कह रहा है ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, किस गैस के कारण, तो वह कौन सी गैस है जो यहां पर पाई जाएगी, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल का सबसे निचला मंडल होता है, और यहां पर सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, यहां पर सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा है, कोहरा है, कुहासा है। तो अब अगर बात करें इन गैसों के आधार पर, तो जलवाष्प जो है वो वर्षा में पाई जाएगी, वर्षा जलवाष्प, वाटर वेपर। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी तब जलवाष्प का निर्माण होगा, और जलवाष्प क्षोभ मंडल में पाई जाएगी। क्या इसका एक प्रकार ग्रीन हाउस गैस भी होती है, कि इसका ओजोन प्रदूषण किसी भी प्रकार से ओजोन परत को, ओजोन प्रदूषण क्या होता है, ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाएगा उसे प्रदूषण। अगर मैं आपसे कहूं प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण एक समस्या होती है। मान लीजिएगा मैं कहूं ध्वनि प्रदूषण, जब उच्च तीव्रता का शोर हमारे कानों में पड़ेगा तो हमें समस्या उत्पन्न होगी, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण, जब पीने योग्य जल में कई प्रकार की अशुद्धि मिली होगी, और अशुद्धि मिल जाने के कारण जब हम उनको पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, इस समस्या को जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण, हम श्वसन की प्रक्रिया करेंगे और जब वायु में ऐसी अन्य गैसें मिला दी जाएं जिस कारण से हमें श्वास लेने में समस्या होने लगे, प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो प्रदूषण क्या, एक समस्या।
तो कह रहा है ओजोन, ओजोन परत में होने वाली कमी को ओजोन प्रदूषण कहा जाता है। किस गैस के कारण नहीं होगा पूछ रहा है, तो जलवाष्प के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि जलवाष्प ओजोन परत में नहीं पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? ट्रोपोस्फीयर यानी क्षुभ मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जलवाष्प। प्रश्न नंबर 40, चलिए थोड़ा है, ऐसा है, कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन, पीली क्रांति का संबंध तिलहन पालन, अमृत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन। ठीक ना, तो देखिएगा भारत में कृषि के क्षेत्र में प्राथमिक सेक्टर में कई प्रकार की क्रांतियां की गई, कुछ क्रांतियों के नाम है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली पालन या मत्स्य उत्पादन से, मछली मछलियों की संख्या में या मत्स्य उत्पादन को वृद्धि करने के लिए एक योजना चलाई गई जिसको नीली क्रांति कहा गया। उसी प्रकार एक झींगा मछली भी होती है और झींगा मछली के उत्पादन के लिए, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो योजना चलाई गई क्रांति, ठीक ना, जो क्रांति चलाई गई गुलाबी क्रांति। पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से, और तिलहन फसलें ऐसी फसलों कहा जाता है जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, तिलहन फसलें ऐसी फसलों कहा जाता है जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से, बिल्कुल सही बात। उसके बाद कह रहे अमृत क्रांति का उत्पादन दुग्ध, नहीं, दुग्ध उत्पादन का जो संबंध है वो श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे होगा? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। अब आता है तो अमृत क्रांति का संबंध सर किससे? अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। नदी, उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ने, और बहुत सारी दक्षिण भारत की ऐसी नदियां जिनमें पानी पाया जाता है कुछ समय तक और कुछ में नहीं पाया जाता है, तो एक नदी को दूसरी जोड़ने, दूसरी नदी से जोड़ने की जो परियोजना बनाई गई, जो क्रांति चलाई गई, उस क्रांति को नाम दे दिया गया अमृत क्रांति। क्या नाम दे दिया गया उसको? उसको एक नाम दे दिया गया अमृत क्रांति। कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी जो आपका है वो सही सुमेलित नहीं है। अमृत क्रांति का जो संबंध है वो नदियों को जोड़ने से संबंधित है, ना कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक ना, चलेगा। उसके बाद ए हमने कृषि से लिया, क्योंकि आपके खंड शिक्षा अधिकारी में साफ साफ लिखा है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, तो कृषि से संबंधित भी तीन चार प्रश्न मैंने यहां पर डाले हैं। देखिएगा जनगणना से संबंधित एक प्रश्न है, भारत जनगणना 2011। देखिएगा जनगणना के मैंने दो ही तीन प्रश्न डाले हैं, और उसका कारण यह है कि हम वर्ष 2020 में हैं और 2021 में हमारी जनगणना होनी है। वर्ष 2021 में क्या है? हमारी जनगणना होनी है। तो हो सकता है कि बहुत पुराना आंकड़ा हो गया है, 2011 से चल रहे हैं, 9 साल होने को है, ठीक ना, तो लेकिन तब भी थोड़े बहुत हो सकता है पूछ ले। तो जनगणना संबंधित प्रश्न है, जनगणना 2011 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है? भारत की जनसंख्या घनत्व 382। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, ये सही बात है। 2019 की जनगणना के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात 1991 की जनगणना के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 में रहा है। 1991 की जनगणना के बाद हमारे लिंगानुपात में कमी आने लगी और 2011 में फिर से लिंगानुपात में वृद्धि हुई, और वर्तमान समय में जो लिंगानुपात है वो लगभग 927 है, मतलब 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 927 है। 2001 से 2011 के दौरान महिला साक्षरता में पुरुषों की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुई है। एक दशक, आपसे ये भी पूछ सकता है, एक दशक में महिलाओं की जनसंख्या से पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई या महिलाओं की? तो याद रखिएगा 2001 की जनगणना से 2011 के मध्य जो जनगणना हुई उसमें महिला साक्षरता में क्या दर्ज की गई? वृद्धि दर्ज की गई। उसके बाद साक्षरता की गणना करने में 10 वर्ष से आयु वर्ग के तथ्यों को शामिल किया जाता है, ये बात गलत है। जब भी हम साक्षर की बात करें तो वह व्यक्ति जो सामान्य रूप से लिख पढ़ सकता है उसको हम साक्षर कह सकते हैं। तो क्या 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा लिख पढ़ सकता है? नहीं। तो हम जब साक्षरता की बात करते हैं, जब साक्षरता की बात करते हैं तो हम 7 वर्ष से
अधिक उम्र के बच्चों को लेते हैं, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लेते हैं। और यहां पर लिखा है साक्षरता की गणना करने में 10 वर्ष से आयु के अधिक के तथ्यों को शामिल किया जाता है। यहां पर तथ्य मतलब लड़के और लड़कियों से है, तो यह बात गलत है। 10 वर्ष नहीं, 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो जो आसन असत्य है वो है ऑप्शन डी। जो कथन असत्य है उसका है ऑप्शन डी असत्य, इसमें ठीक ना। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से किस प्रदेश में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो चाहे महिला साक्षरता पूछे, चाहे पुरुष साक्षरता या ओवरऑल साक्षरता पूछे, तो सबसे अधिक जो साक्षरता है वो जिस राज्य की है वो है आपके केरल। और केरल की जो औसत साक्षरता है वो लगभग 94% है, जिसमें महिलाओं की लगभग 91% है और पुरुषों की लगभग 96%। महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की लगभग, मैं पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, 91% कुछ है, मैं कुछ नोट्स नहीं लिया हूं। और पुरुष की जो है वो लगभग 96 है, और औसत जो है वो कितनी है? 94 है, ठीक ना। इसको आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज्यादा साक्षर वाला जिला या साक्षर वाला राज्य जो है वो केरल है, और सबसे कम वाला बिहार, ठीक ना। चले प्रश्न नंबर 42, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। ध्रुव से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए आइए देखते हैं, हम यहीं देख लेते हैं। कह रहा है ध्रुव से ध्रुव की ओर जाने पर, मतलब एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर, बात ये कह रहा है वो दृश्य रूप से। यहां पर 90 डिग्री होता है हमारा, 90 डिग्री एन है यहां पर, और यहां पर 90 डिग्री एस है। इसको नाम दिया गया उत्तरी ध्रुव, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री एस को क्या नाम दिया जाता है? तो 90 डिग्री एस को नाम दिया जाता है दक्षिणी ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर एक रेखा है 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है, सबसे अधिक। हमने आपको अभी बताया था अगर तापमान अधिक है तो वर्षा भी अधिक होगी, और अगर वर्षा अधिक है तो यहां पर वनस्पति की सघनता पाई जाएगी, और अगर वनस्पति की सघनता पाई जा रही तो वनस्पति क्या है? वनस्पति उत्पादक है, और जहां पर उत्पादकों की संख्या होगी वहां पर उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होगी। अब अगर मैं कहूं तो उत्पादक और उपभोक्ता के लिए हम एक शब्द यूज कर ले गए, जैव विविधता। जैव विविधता वास्तव में अगर आपसे पूछा जाए होती क्या है? बायोडायवर्सिटी। तो किसी एक स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या को हम जैव विविधता कहते हैं। जहां पर इनकी संख्या अधिक होगी जीव जंतु और पेड़ पौधों की, वहीं की जैव विविधता अधिक हो जाएगी। अब जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे यानी उत्तर ध्रुव की ओर, और जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप कहां की ओर जाएंगे? दक्षिण ध्रुव की ओर। तो विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर या विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर तापमान में कमी आएगी, और तापमान में जब कमी आएगी तो वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी, और वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तो जैव विविधता में भी कमी आएगी। यानी विषुवत रेखा से जब उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे तब भी जैव विविधता को हम बीडी लिख देते हैं, बायोडायवर्सिटी में कमी आएगी। दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तब भी बायोडायवर्सिटी में कमी आएगी। यानी विषुवत रेखा से चाहे आप उत्तर ध्रुव की ओर जाइएगा जब भी जैव विविधता में कमी आएगी, और विषुवत रेखा से चाहे आप दक्षिण ध्रुव की ओर जाइएगा तब भी जैव विविधता में कमी आएगी। पूछ रहा है आप एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा? अब बताएं, जब ऊपर जा रहे हैं तो कमी आ रही है और नीचे जा रहे हैं तो भी कमी आ रहा है। अब कह रहा है एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाए, तो यदि हम उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो जब तक हम विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में वृद्धि होगी, और विषुवत रेखा से फिर नीचे की ओर जाएंगे तो क्या आएगी? कमी। यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर पहले जैव विविधता में कमी आएगी, सॉरी वृद्धि होगी, फिर जैव विविधता में कमी आएगी। तो पहले जैव विविधता में बढ़ेगी और फिर घटती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, कौन सा? ऑप्शन डी, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 42 के बाद प्रश्न नंबर 43, फसल से लिया है मैंने आपकी। प्रश्न नंबर 43 क्या है? नकदी फसलों के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल नहीं? हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं इसलिए मैंने डाला है। हमें यहां पर समझना है नकदी फसल, हमें यहां पर एक फसल समझनी है, फसल का नाम नकदी फसल। कौन सी फसल है? तो फसल का नाम है हमारी नकदी फसल। नंबर 42 के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि नकदी फसल के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल नहीं है, नकदी फसल के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल नहीं है। हालांकि प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन मुझे कुछ चीजें आपको समझानी, इसलिए मैंने प्रश्न डाला है नकदी फसल। हमें बात समझनी है नकदी फसल किसे कहते हैं।
तो नकदी फसल या व्यापारिक फसल, नकदी फसल या व्यापारिक फसल हम ऐसी फसलों को कहते हैं, नकदी फसल या व्यापारिक फसल हम ऐसी फसलों को कहते हैं जिनको जिनको जिनका हम भंडारण नहीं कर सकते, जिनको खेत से काटने के बाद जिनको तुरंत मार्केट में हमें बेचना पड़ जाए, ऐसी फसलों को हम नकदी फसल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गन्ना, आप बताइएगा, आप अगर पूर्वांचल से संबंध रखता होगा आप लोग में से कोई, जितने लोग देख रहे हैं, गन्ना होता है, क्या गन्ने को काटने के बाद उसका भंडारण कर सकते हैं, चार महीने पांच महीने रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर रोक लिए आप तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसका रस जो होगा, गन्ने का रस जो होगा वो सूख जाएगा, और जब गन्ने का रस सूख जाएगा तो उसका मार्केट वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसी फसलें जिनको काटने के बाद तुरंत मार्केट में बेचना पड़ जाए, ऐसी फसलों को किस नाम से जानते हैं, व्यापारिक फसल या नकदी फसल के नाम से जानते हैं। कह रहा नकदी फसल के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल नहीं है, तो कौन सी फसल शामिल नहीं है, चना नहीं है, चने का भंडारण कर सकते हैं लेकिन चाय कॉफी और गन्ने का भंडारण नहीं कर सकते। तोड़ने के बाद उसको पत्तियों को चुनने के बाद तुरंत हमें मार्केट में क्या हो जाएगा, तुरंत मार्केट में बेचना पड़ जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चना, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 43 के बाद प्रश्न नंबर 44 मैंने दिवस से संबंधित लिया है, यहां से प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न पूछता है वो कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। कह रहा टाइगर दिवस 29 जुलाई, ओजोन दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 16 सितंबर। पूछ रहा है सही सुमेल का चयन कीजिएगा। सही सुमेल अगर हम बात करते हैं नीचे से पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष, पृथ्वी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, वो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर बात करें जल दिवस, तो जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो यानी ये तीनों तो सही सुमेल नहीं है। टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, और प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक चार वर्ष के बाद बाघ रिपोर्ट या टाइगर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 2019 में की गई थी टाइगर रिपोर्ट, प्रस्तुत की गई थी किस तारीख को, 29 जुलाई को की जाती है, इसलिए 29 जुलाई को हम टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है सही सुमेल का चयन करें, तो सही चयन कौन सा है, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर दिवस। चलिएगा प्रश्न नंबर 45, और प्रश्न नंबर 45 पर बढ़ने से पूर्व एक बार मैं और बता देता हूं कि हमारे यहां खंड शिक्षा अधिकारी का बैच संचालित हो रहा है, और जितनी मेहनत मैं यहां पर कर रहा हूं इससे अधिक मेहनत हम लोग बैच में कर रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है आलोक सर और रवि सर के कुशल निर्देशन में। यह आप भी मौका है आपके पास, यदि आप इस बैच में प्रवेश लेकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8382955694694। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से BEO एंट्री लिखकर सेंड कर देना है, एडमिशन की प्रक्रिया बता दी जाएगी और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 45, वर्तमान समय 2022-20 की बात हो रही है, भारत में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ऐसे रिजर्व क्षेत्र होते हैं जो टाइगरों के लिए, रिजर्व का मतलब क्या, आरक्षण, जहां पर केवल टाइगर पाए जाते हैं, तो वर्तमान में इनकी संख्या 50 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या 50 है, और 50वां जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, 50वां यानी अंतिम, अब 50वें को हम अंतिम बा भी कह सकते हैं और सबसे नवीन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले हो गया, जो पहले नंबर का, वो तो सबसे प्राचीन हो गया, सबसे पहले उसका निर्माण किया गया। आपसे एक प्रश्न भी पूछ सकता है कि कौन सा बाघ रिजर्व क्षेत्र या टाइगर रिजर्व क्षेत्र सबसे नवीन है, क्रमांक 50, और नाम है कमलांग। कौन सा है, कमलांग टाइगर रिजर्व क्षेत्र, कमलांग टाइगर रिजर्व क्षेत्र, कमलांग टाइगर रिजर्व क्षेत्र भारत का सबसे नवीन, और क्रमांक की बात करें तो 50वां क्या है, 50वां ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो वर्तमान समय में भारत में कहां पर है कमलांग, तो कमलांग जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग कहां पर है, तो कमलांग आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो कितनी हो गई संख्या, 50, ठीक ना। प्रश्न नंबर 45 के बाद 46, भारतीय कृषि से लिया हमने, कई सारी कृषि की पद्धतियां हैं उन्हीं से,
एक साइड मैंने कृषि लिखी है, कौन सी कृषि, और दूसरी साइड उसका संबंध किस कृषि से है। कह रहा फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरी से समझ लीजिएगा, फ्लोर से फ्लावर, तो फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों की कृषि से होता है या फूलों के उत्पादन से होता है। विटीकल्चर, सिल्विकल्चर, यहां देखिएगा इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, सिल्विकल्चर और सेलिकल्चर। तो सिल्विकल्चर का जो संबंध है, यहां पर वा लिखा है और वा से वन समझ लीजिएगा, वन उत्पादन से, वन वनों के संरक्षण से संबंधित है। भाई वनों का तो हम उत्पादन नहीं कर सकते, वन संरक्षण हो गया। और सेरिकल्चर का जो संबंध है, और यहां पर देखिएगा रा लिखा है और रा से रेशम। अब बचता है विटीकल्चर, तो विटीकल्चर का संबंध शहतूत की कृषि से नहीं होता है, बल्कि विटीकल्चर का जो संबंध होता है वो अंगूर उत्पादन से है। किससे है? अंगूर उत्पादन। तो विटीकल्चर का जो संबंध है वो किससे होता है? विटीकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से होता है। किससे होता है? अंगूर उत्पादन से होता है विटीकल्चर का संबंध, ठीक ना। तो 46 का ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक ना, समझ आ रही ना बातें। प्रश्न नंबर 47, अनुसंधान केंद्रों से भी प्रश्न बनते हैं। अनुसंधान केंद्र हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसी को शॉर्ट में नीरी कहा जाता है। इसी को शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? नीरी। और कई बार पूछ लिया जाता है नीरी स्थित है कहां पर, तो एन का मतलब है नेशनल, ई का मतलब है एनवायरमेंट, ई का मतलब है इंजीनियरिंग, आर का मतलब है रिसर्च, और आई का मतलब है क्या, आई का मतलब है इंस्टीट्यूट यानी केंद्र या अनुसंधान, सॉरी इंस्टीट्यूट संस्थान। तो राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भी बोल सकते हैं, या राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भी बोल सकते हैं। कहां पर है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। कहां पर है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, महाराष्ट्र के नागपुर में है नीरी। कहां पर है? महाराष्ट्र के नागपुर में। प्रश्न नंबर 48, जनसंख्या से है। सत्यकूट का चयन कीजिएगा। वर्ष 2000 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, ठीक ना। उसके बाद इस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है, 17.5% है। वर्ष 2001 से 2011 के वर्ष 2001 से 2011 तक 18.18 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो वृद्धि दर्ज की गई कितनी, 18.18 की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक ना। अब देखिएगा इस प्रश्न में है क्या, सत्यकूट का चयन करना था, कूट शायद छूट गए हैं, कूट शायद छूट गए हैं, तो हम एक एक से इस पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। देखिएगा अगर बात करें हम कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, अगर बात हमें करते हैं कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुई 1872 में, और उसके बाद 1881 में रिपिन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की बात कर दी गई। यानी 1881 में दूसरी हुई, 1872 में पहली हुई और 1881 में दूसरी हुई, 1891 के बाद, 81 के बाद 91 में, फिर कब, फिर 1901 में, फिर इस प्रकार। तो अगर उस आंकड़े से देखा जाए तो ये जनगणना जो है वो 15वीं जनगणना है। किस, कौन सी जनगणना? 15वीं। अगर हम स्वतंत्र भारत से देखें, 1947 के बाद देखें, यानी 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 1991 के बाद वर्ष 2001, और वर्ष 2001 के बाद वर्ष 2011, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की है? स्वतंत्र भारत के 7वें नंबर की। उसके बाद वर्ष 2000 वाली शताब्दी को 21वीं शताब्दी कहा गया, और 21वीं शताब्दी की दूसरी, पहली कब हुई? 2001 में, और दूसरी कब हुई? तो दूसरी हुई 2011 में। अब 2021 में जो होगी वो 21वीं शताब्दी की कौन सी हो जाएगी? तीसरी। स्वतंत्र भारत की कौन सी हो जाएगी? 8वीं। और पूरे भारत की यानी 1872 से लेकर की हो जाएगी कौन सी? 16वें क्रम की। उसके बाद इस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, बिल्कुल सही बात है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। एशिया, सॉरी, भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। साथ ही साथ
अगर क्षेत्रफल में बात करें तो हम सातवें नंबर पर हैं और विश्व के क्षेत्रफल का हम 2.42% हैं। 2001 से 2011 के मध्य, 2001 से 2011 के मध्य हमारी जनसंख्या में लगभग 18.18 करोड़ की क्या हुई, वृद्धि हुई। यानी चारों की चारों बातें सही हैं, इसमें शायद कूट छूट गए हैं। तो अगर कूट एक मिलता में ए बी सी डी यानी चारों कूट सही है तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त चारों बातें, लिखी हुई चारों बातें क्या है, सही है, ठीक है ना। 48 के बाद प्रश्न नंबर 49, मैंने परियोजनाओं से लिया है, कई बार इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कब परियोजना चलाई गई। तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, कौन सा अधिनियम लाया गया, 1972 में वन्यजीव संरक्षण। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कहा गया यदि कोई भी वन्यजीव यानी वनों में रहने वाले जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसको आर्थिक जुर्माना भी होगा, उसको जेल भी कर दी जाएगी। और किसी भी जानवर की संख्या को बढ़ाने के लिए कई सारी परियोजनाएं चलाई हैं जिसमें उसे संरक्षण दिया गया। तो सबसे पहले 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, 1973 में गिर परियोजना चलाई गई। गिर परियोजना, गिर एशियाई शेरों के संरक्षण से संबंधित है और एशियाई शेर पूरे भारत में केवल जूनागढ़ जिले में स्थित गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जूनागढ़ जिले में स्थित गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हाथी परियोजना 1972 में चलाई गई। गैंडा, हाथी तो कई सारी जगह पाए जाते हैं, वर्तमान समय भारत में 32 हाथी रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, 32। उसका गैंडा परियोजना असम के मानस और काजीरंगा में पाया जाता है, एक सिंह वाला गैंडा, और इसके संरक्षण के लिए 1987 में चलाएगी, इसके लिए 1973 में। हाथी परियोजना 1992 में चलाई गई थी। गिद्ध प्रजनन परियोजना, गिद्धों की मृत्यु हो रही थी जानवरों को दिए जाने वाले दर्द निवारक दवा के कारण, एक प्रकार का एक कह लीजिएगा दूध निकालने के लिए उनको दिया जाने वाला एक प्रकार का हम कह सकते हैं ड्रग्स था जिस कारण से गिद्धों की मृत्यु हो रही थी। साथ ही साथ एक गिद्ध हमारे हवाई जहाज से टकरा जा रहे थे इसलिए इनकी मृत्यु कर दी जा रही थी। पर्यावरण में इनका अभाव हुआ और इनके अभाव से कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगी, जैसे जब जानवर मर जाता है जंगल वगैरह में तो उनको खाने गिद्ध जाते हैं, दूर से बड़ी पेनी नजर होती है, ठीक है ना। तो जब जानवर मरने लगे, गिद्धों की संख्या कम होने लगी तो क्या हुआ, वायु प्रदूषण उत्पन्न होने लगा। तो इनके संरक्षण के लिए, इनके प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में हरियाणा के पिंजौर जिले में से गिद्ध प्रजनन संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई और वहां पर गिद्धों का प्रजनन कराया जा रहा है। कब से, वर्ष 2016 से हरियाणा के पिंजौर जिले में, ठीक ना। तो गिद्ध प्रजनन योजना 2006 में नहीं है बल्कि इसका संबंध गिद्ध प्रजनन परियोजना का संबंध 2016 से है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 49 के बाद प्रश्न नंबर 50। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, ये वही संस्थान है जिसके द्वारा प्रत्येक दो वर्ष बाद वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। पूछ रहे कहां स्थित है, तो ये जो संस्थान है ये उत्तराखंड राज्य में है। कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड राज्य में कहां पर है, तो उत्तराखंड राज्य में ये कहां पर है, देहरादून में स्थित है। कहां पर स्थित है, देहरादून। इसी के द्वारा क्या रिपोर्ट जारी, कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। कितने वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर, ठीक ना मित्रों। तो ये आज का सेशन रहा, उम्मीद है कि कई सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से आपने अपनी तरह पढ़ाई में ध्यान दिया होगा, ठीक ना। चलिएगा फिर नेक्स्ट, अभी आपको और भी मिलने हैं, कुल मिला के 8 वीडियो दिए जाने हैं। ये मेरा क्रमांक शायद मेरा चौथा क्रमांक है। अभी आपको रीजनिंग का एक, रवि पी तिवारी सर का एक, मैथमेटिक्स का एक, करंट अफेयर्स के अभी और दिए जाएंगे, ठीक ना। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं, थैंक यू।